नए नए जारी हुए हैं फरमान देश में, रे नए नए जारी हुए हैं फरमान देश में, कुर्सी पर बैठे हैं मरे हुए जमीर मुर्दा इंसान देश में। कुर्सी पर बैठे हुए हैं मरे हुए जमीर मुर्दा इंसान देश में, रे महासंसद में सन्नाटा तंग है किसान देश में। महासंसद में सन्नाटा और तंग है किसान देश में। रे वोटा खातर अपने हक की खातर गैर लागे, रे झूठ के भी पैर लागे, रे बिकगी मीडिया, रे बिक गया ईमान देश में। रे महासंसद में सन्नाटा और तंग है किसान देश में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पर, मैं प्रदीप सहरावत आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, एचएसएससी की हमने क्लास स्टार्ट की हुई है, मैथ्स की। एचएसएससी मैथ्स मैराथन क्लासेस चल रही हैं और वेक्टर की एक सीट एक क्लास हमने पूरी कर ली है और उसका एक तरह से कह सकते हैं कि बेस हम तैयार कर चुके हैं। अब उसके अंदर दूसरी टाइप की तरफ बढ़ेंगे। आज हमारी ये वैक्टर को लेकर दूसरी क्लास होगी और इसमें किस किस तरह के और आगे लेवल बढ़ेगा सवालों का, लेवल बढ़ता है तो कैसे कैसे सवाल पेपर में आने की संभावना है, वो सब इस क्लास के अंदर हम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार अपने जो देश के किसान हैं जिनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, उनसे एक छोटी सी बात कि टपक जाती है कच्ची छत उसकी, फिर भी वो किसान बारिश की दुआ मांगता है। मतलब एक किसान है हमारे देश का अन्नदाता, जिस तरह से सड़कों के ऊपर भटक रहा है और सरकार उसकी अनदेखी कर रही है, तो बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को देखते हुए। अब ये सिर्फ एक किसान का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आज ये चीज़ किसान के साथ हो रही है, कल ये किसी और के साथ भी हो सकती है। तो हमें ये सोच कर ये पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए कि ये तो किसानों के साथ ही है, हमारे साथ नहीं है। तो मैं कहूँगा कि सभी सहभागीदार रहे हैं इसमें और किसानों को जितना ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट करें, क्योंकि एक इंसान गलत हो सकता है, सभी इंसान गलत नहीं हो सकते हैं। एक इंसान होता वहां पर बैठता जाकर धरना देता तो गलत बात थी, लेकिन इस कानून के खिलाफ जब इतने सारे लोग इतनी ठंड में वहां पर बैठे हुए हैं जाकर, और सरकार एक टुक भी उनकी तरफ देख नहीं रही है, उनकी बात नहीं सुनना चाह रही है, तो मतलब यह है कि सरकार गलत है, इंसान गलत नहीं है, किसान गलत नहीं है, वो अपने हक को देख रहे हैं। अगर सरकार उनका हक छीन रही है तो इसीलिए वो इतनी ठंड में बैठे हुए हैं। रात को 2 डिग्री टेम्परेचर होता है वहां पर, खुद आप बैठ कर देख लेना, आपको पता चल जाएगा खुले आसमान के नीचे। तो भाई किसानों के लिए तो इतना ही। अब दूसरी बात मैं करूंगा, मैंने अभी पीछे वाली क्लास में कहा था कि आप नोट्स नहीं बनाते हो, एक कोई एक बच्चा भी नोट्स नहीं बनाता है, तो उसके ऊपर एक बच्ची का मेरे पास मैसेज आया, उसका नाम है पूजा सैनी। तो मैं इस बच्ची को बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी तरफ से इसके लिए मेरी बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, मैं इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। स्क्रीन पर लगा दो सर एक बार। तो इसने देखो कितने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं मेरी सभी क्लासेस के, तो मतलब इससे ये साफ हो जाएगा जब ये बच्ची पेपर देगी और आप भी पेपर दोगे, आपको भी पता चल जाएगा कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं और इन चीज़ों में से क्या आ रहा है, क्या आप मिस कर रहे हो। इसका रीज़न ये है, नोट्स बनाने का फायदा आपको ये है कि जो चीज़ें आपके पास रिटर्न में मौजूद हो जाती हैं वो चीज़ें आपके पास पीडीएफ में पड़ी रहेंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप उनको अपनी नोटबुक में नहीं उतारोगे तब तक उन चीज़ों का पीडीएफ में पड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। पीडीएफ और स्क्रीनशॉट ये बिल्कुल किसी काम के नहीं होते हैं, ये निठल्ले लोगों के काम होते हैं। अभी स्क्रीनशॉट ले लिया, जो कामचोर होते हैं, और कामचोर लोगों से सक्सेस हमेशा दूर भागती है, सफलता उनसे दूर रहती है। इसीलिए थोड़ी सी मेहनत करना सीखो, अपने हाथ पैर चलाना सीखो, तभी जाकर सफल हो पाओगे। और इन क्लासेस को और इन पीडीएफ का फायदा तभी होगा जब आप अपने नोट्स बनाओगे। तो पूजा सैनी इस लड़की ने मेरे पास ये भेजे हैं और इस बच्ची ने एक बहुत ही अच्छी बात और कही है, इसने मुझे जो मैसेज भेजा है उसमें स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो मतलब उसने ये भी बोल दिया साथ के साथ कि सर आपको गलत प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि बस ये बताने के लिए कि आपकी मेहनत हमारे लिए बेकार नहीं जा रही है। तो मन इतना खुश हो जाता है ऐसी चीज़ें देखने के बाद कि दिल करता है कि भाई और ज़्यादा मैं कहीं से गहराई से और ज़्यादा मेहनत के साथ आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करूं। और देखो बच्चों, यूट्यूब पर दुनिया पढ़ा रही है, लेकिन इश्यू क्या है, कंटेंट नहीं मिल रहा है। और जब आपको कंटेंट मिल रहा है तो आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो। हमेशा इंसान को उस चीज़ की कदर तब पता चलती है जब वो उससे दूर चली जाती है। जब सफलता आपसे दूर चली जाएगी तो आपको मेहनत की वैल्यू का पता चलेगा कि भाई क्या मेहनत होती है क्या नहीं होती है। लेकिन इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ कि भाई आपको यदि यहाँ पर पूरा कंटेंट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाकर मैं दे रहा हूँ, तो भाई मैं आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप बदले में अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट करें, आप अपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज करें बार बार वीडियो देखने की बजाय। उसमें आपका टाइम बचेगा, एक क्लास की वीडियो देखने की बजाय आप अगर उसके नोट्स बना लेते हैं और उसको दोबारा देखने की बजाय उन नोट्स में से पढ़ते हो, तो आप एक बार एक वीडियो का टॉपिक्स लेकर उसका कंटेंट लेकर तैयार करके देखना कितना टाइम आपका बचेगा वेस्ट होने से।
अदरवाइज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वीडियो को कोई बच्चा 10 बार देखेगा तो व्यूज बढ़ते रहेंगे, और मुझे उन व्यूज की कोई जरूरत नहीं है। एक बच्चा मेरी वीडियो को देखे और वो उसके काम आ जाए, वो अच्छे से नोट्स बनाए, तो मैं सिर्फ उसको व्यू मानता हूँ कि हाँ भाई इस बच्चे ने वीडियो देखी है, अदरवाइज मैं किसी को अपना व्यू नहीं मानता हूँ। अब दूसरी बात, हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये वैक्टर की हमारी क्लास नंबर 2 है, ठीक है भाई? तो सीट नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे वेक्टर के अंदर। तो भाई सीट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सीट नंबर 2 में वेक्टर के अंदर किस किस तरह के सवाल बनेंगे और फिर सीट नंबर 3 में किस किस तरह के सवाल बनेंगे, एक बार थोड़ा सा उनका बेसिक बता देता हूँ। इससे पहले वाली जो क्लास हमने की थी उसमें हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि भी कोई वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर में कैसे चेंज करना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था। आज हम उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आज की जो क्लास होगी इसके अंदर हमारा डॉट प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। डॉट प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। आज इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, और इसके बाद हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये दोनों ही अपने आप में, जैसे कि मेरे पास दो वैक्टर दिए हुए हैं, ये ए वैक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर दिया हुआ है, तो इसके अंदर पूरी इक्वेशन होती है। मैं इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसने बोला कि भाई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, यहाँ तक हमारी बात हो जाती है। तो वो हमसे क्या कहेगा? वो कहेगा भाई इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, या फिर वो पूछ लेगा भाई स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट तो एक ही बात रहेगी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी वो अलग हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करेगा तो डॉट प्रोडक्ट हमारा जो होता है वो ए वेक्टर, और यहाँ पर इस तरह से हम इसको डॉट बी वेक्टर, इसको इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब सीधा सीधा ये है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही है कि मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन से जुड़ी हुई बात है। तो यहाँ पर अगर इनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस तरह से इसको हम डिनोट करेंगे, ए वेक्टर और मल्टीप्लाई बी वेक्टर। अब दूसरी बात मैं यहाँ पर एक और बता देता हूँ तुम लोगों को, जिस तरह से हमारे पास है बी वेक्टर और इसी को हमने लिखा डॉट ए वेक्टर, ये दोनों चीज़ें सेम है, इसको इस तरह से लिख लो या इस तरह से लिख लो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट की बात आएगी तो उसके अंदर यहाँ पर इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस का साइन यूज किया जाएगा। उसके बारे में मैं आगे वाली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा इस क्लास के अंदर। तो इस तरह से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरह से डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है, इनको मल्टीप्लाई आपस में किया जाता है। अब ये सारे स्टेप स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इनके अंदर पूरे पूरे सारे के सारे प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस हमें करने होते हैं, किन किन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड ये टॉपिक हमारा रहता है। जबकि इसके अंदर जो डिफरेंस जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में, वो ये होता है यहाँ पर इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो स्केलर वैल्यू आएगी, लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट में हम निकालेंगे तो वो हमारे पास सदिश राशि आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी निकल के। अब दूसरी बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, अगर उसने हमें बोल दिया कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारे पास इस तरह से मान लो कोई दो लाइन दी हुई है, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन दूसरे के ऊपर, ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो अगर इस तरह से बात आ जाए भी, 90 डिग्री एंगल की बात वहां पर कहीं पर भी हो जाए, तो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना, वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब ये जीरो के इक्वल क्यों हो जाएगा वो भी मैं बता देता हूं। यहां पर हमारी बात आती है कोस थीटा की, कोस थीटा की बात आती है। सबसे पहले बात आएगी जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और एक और बात आएगी 180 डिग्री की। अब जिसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से समझाया कि भी किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू निकाली जाती है इनकी, वो सारा समझा रखा है, एक छोटी सी क्लास होगी 10-15 मिनट की वीडियो, वो देख लेना। तो जीरो डिग्री की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हमारा कोस थीटा किसके बराबर होता है भाई, बोलो, कोस थीटा हमारा किसके बराबर होता है, यहाँ पर 1 के इक्वल हो जाता है कोस थीटा हमारा, ठीक है। अब दूसरी बात मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3/2, इनको नोट कर लेना, 45 के ऊपर 1/√2 और 60 के ऊपर 1/2, 90 के ऊपर हमारी 0,
90 डिग्री के ऊपर हमारी वैल्यू कितनी होती है भाई, जीरो, और 180 डिग्री के ऊपर हमारी बात होती है माइनस का वन। ये हमारी कोस थीटा की वैल्यू होती है, इनके ऊपर सवाल बनेंगे, यहाँ पर एंगल निकलवाएगा हमसे। एग्जामिनर क्या करेगा, हमें स्टेटमेंट देगा, वेक्टर देगा, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, उनके बीच का एंगल हमें निकालना होगा, कोस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी होगी। अब हम वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक तो सीधी सीधी बात मैंने बता दी, अगर उसने बोल दिया कि परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू निकालो, परपेंडिकुलर है तो थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और उनका प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, जीरो के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर वो दोनों ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, यहां पर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर था, तो वहां पर हमारा क्रॉस डॉट प्रोडक्ट क्या रहा था, जीरो। लेकिन अगर वो पैरेलल है एक दूसरे के, तो पैरेलल होंगे दो लाइनें आपस में, पैरेलल कब होंगी, जब उनके बीच का जो एंगल होगा, कोस हमारा कितना हो जाएगा भाई, जीरो डिग्री, कोस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री, तो जीरो डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी है, वन। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल टू वन के आएगा। ये चीज़ें बस ट्रिक के अकॉर्डिंग लगा लो इन चीज़ों को, कि सीधी सीधी तुम लोगों को पता होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अब दूसरी बात मैं बात करूंगा, उसने हमें कुछ नहीं दिया है, ना तो परपेंडिकुलर बोला है और ना ही पैरेलल बोला है, उसने हमसे सिर्फ एक बात पूछी है, उसने हमसे सिर्फ ये कहलवाना चाहा है कि मुझे ये बता दो कि आप लोग जो इसका कोस थीटा है, जो हमारा जो थीटा है वो किस तरह से निकालोगे, थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी यहाँ पर, जब हमारे पास दो वैक्टर दिए होंगे, ए वैक्टर और बी वैक्टर। तो हमारे पास जब भी दो वैक्टर दिए होंगे और हमें निकालनी पड़ जाए कोस थीटा की वैल्यू, क्या निकालनी पड़ जी भाई, कोस थीटा की वैल्यू। अब कोस थीटा की ही क्यों निकाल रहे हैं, बच्चों के दिमाग में ये सवाल भी आएगा कि सर आप किसी और की टेन थीटा की या फिर किसी और की क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो मैं बताता हूँ, जब भी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की बात होगी तो कोस थीटा की वैल्यू निकलेगी, लेकिन जब भी हमारे पास बात होगी क्रॉस प्रोडक्ट की तो सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये दो बातें याद रख लेना, इससे पहले वाली क्लास में भी मैं बता चुका हूँ ये बात और ये अब भी बता रहा हूँ। अब इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला बनेगा एक कोस थीटा का, तो फार्मूला होगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इन दोनों, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा कोस थीटा का। क्या बन जाएगा भाई फार्मूला कोस थीटा का, जब भी हमें थीटा निकालना पड़ जाए तो थीटा निकालने का सीधा फार्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बात आगे और भी आएंगी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में, वो भी मैं बताऊंगा कि भाई हमारे पास जैसे जिस तरह से कोई स्टेटमेंट दे देगा, वो हमारे पास पूरी इक्वेशन देगा, उसमें से हम ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, हालांकि पीछे वाली क्लास में हम कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से दोबारा से मैं बताऊंगा वो भी। तो अब दूसरी बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, अगर मान लीजिए उसने एक बात और दे दी मुझे, उसने बोला ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर, पीछे वाली क्लास में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। चाहे यहाँ पर बी वेक्टर दे दे, चाहे सी वेक्टर दे दे, कुछ भी दे दे, बात ये हो जाएगी, अगर बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर यानी कि डॉट प्रोडक्ट इनका निकालना पड़ जाए तो ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। एक इंपॉर्टेंट बात ये वाली याद कर लेना, एक इंपॉर्टेंट बात ये वाली याद कर लेना, यहाँ पर इसको और भी हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब क्या है, जिस तरह से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास है और हमें यहां पर क्या है, अगर मैं इसको इस साइड ले जाता हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इस पूरी लाइन को, और इस पूरी लाइन को हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर खाली हम थीटा की इक्वल टू करेंगे, आगे सवाल भी आएंगे इस तरह से जुड़े हुए, जब जब हम सवाल करेंगे ना इसे जुड़े हुए, तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे, ज़्यादा इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इनको सिर्फ नोट डाउन कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिर बाद में काम आएंगी, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जुड़े हुए सवाल करेंगे, तो ये चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, फिर जरूरत पड़ेगी इनकी, कि भाई बाद में सिर्फ इन चीज़ों को देखोगे तो सवाल अपने आप बन जाएंगे, बार बार सवालों को प्रैक्टिस या फिर वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी पड़ जाए तो वो हमारी हो जाएगी ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर डिवाइड बाई ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड और इंटू कोस इनवर्स। कोस इनवर्स क्यों लिखा, क्योंकि इधर ये थीटा हमने ऐसे कैसे रख लिया और इस कोस को उठाकर मैं परली साइड ले गया, क्या किया मैंने, इस कोस को उठाकर परली साइड ले गया, अब ये इधर गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इसको या तो वन बाई कोस लिख लो और या फिर कोस
इनवर्स लिख लो, बात एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बातें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इन चीज़ों के बीच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस टॉपिक से जुड़ी हुई। अब और भी कहीं एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो कुछ और बातें हैं, दो तीन पॉइंट और हैं वो और बता दूंगा, फिर हम सवालों की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमसे क्या पूछ सकता है, हमारे पास इस तरह से कोई वेक्टर दे देगा, वो एक दे दिया ए वेक्टर, ए वेक्टर उसने दे दिया ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, इस तरह से हमें वेक्टर देगा। ये डायरेक्शन है, ये क्या है इसका कोफिशियंट है। और यहां पर करना क्या है, ये कैप लगानी मत भूलना, वेक्टर के अंदर कैप का यूज होता है, आपके पेपर के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका कोई सॉल्यूशन देखने वाला नहीं है, सीधा वहां पर आंसर टिक करना है आपको। तो मैं कहीं पर अगर मिस कर जाऊं तो कैप को लगा लेना जहां पर आई जे और के आएगा। अब बी वैक्टर उसने दे दिया भाई, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, इस तरह से उसने मुझे दे दिया। और उसने हमें क्या कहा है, उसने कहा भाई इनका हमें क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, अब यहां पर देखो, इसको डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करोगे, सीधे सीधे जिनके कोफिशियंट दिए हुए हैं ना, कोफिशियंट दिए हुए हैं उनको इनके साइन समेत मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो यहां पर माइनस का साइन दिया है ए टू के सामने, तो हमें माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आई के सामने जो कोफिशियंट दिए हुए हैं, पहले वाले कोफिशियंट ए वन इंटू बी वन, इंटू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख लो इसको, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, इनको इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए वन को ए टू के, ए वन को बी वन के, बी टू बी वन के साथ, ए टू को बी टू के साथ, और ए थ्री को बी थ्री के साथ। मतलब क्या है, ए वेक्टर के सामने जो इनके कोफिशियंट दिए हुए हैं और बी वेक्टर के सामने जो इनके कोफिशियंट दिए हुए हैं, इनको इनके साइन समेत मल्टीप्लाई करना है। अब साइन समेत का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर तो सब जगह प्लस प्लस के साइन यूज हुए हैं, मे भी हो सकता है कि वो यहां पर माइनस का साइन दे दे और यहां पर प्लस का रहे, तो हमारा ए टू माइनस का हो जाएगा, तो ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा ना। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है, हम पीछे भी करते आ रहे हैं सेम टू सेम चीज, अब आगे भी यही करना है इसमें, और कुछ ज्यादा नया नहीं है यहां पर। अब दूसरी बात आएगी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन दी बी वेक्टर, इस तरह से प्रोजेक्शन के ऊपर भी सवाल आएगा। प्रोजेक्शन क्या होता है, तो प्रोजेक्शन के अंदर एक छोटा सा फार्मूला रहेगा हमारा, जिस तरह से ए वेक्टर तो हमने ये सीधा का सीधा लिखा, और इसका क्या करना हमें प्रोडक्ट का यूज करना है, और प्रोडक्ट का यूज हम सीधा बी वेक्टर के साथ नहीं करेंगे, जिसके साथ उसने ऑन लगाया है ना भाई, किसके ऊपर हमें निकालना है, उस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, यहाँ पर उसी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर में मैंने एक बात बताई थी इससे पहले वाली क्लास में, कि भाई जिस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन के इक्वल होता है, वो ही हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यानी कि यूनिट वेक्टर का मैग्नी उस जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो बी का हमें यहां पर यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखो यूनिट वेक्टर का फार्मूला मैंने पीछे वाली क्लास में क्या बताया था, ए वेक्टर दिया हुआ है हमें, इसका क्या करना है भाई, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो होगा क्या, ए वेक्टर और नीचे इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। यहां पर भी ऐसे ही करना है हमें, यहां पर हमें करना क्या है, ये ए वेक्टर तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। यहां पर ए था ना पहले, अब वहां पर बी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ये बी बी कैसे हो गया वही अब ये समझाऊं तुम लोगों को, ए की जगह पे बी क्यों आया, बी की जगह पे सी क्यों आया। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ भी यूज कर सकता है वो वेरिएबल, ए बी सी डी ई कितने भी यूज कर सकता है, ठीक है। जिस तरह से यहां पर मान लीजिए उसने बोला भाई बी वैक्टर का यहां पर यूनिट वैक्टर निकालना है, तो बी वैक्टर के ऊपर इस तरह से कैप लगाओ, बी वैक्टर को डिवाइड करो बी वैक्टर के ही मैग्नीट्यूड से, ठीक है। वही बात मैंने यहां पर यूज किया, देखो बिल्कुल सेम बात यहां पर है कि नहीं है, बोलो हाँ है ना। तो बस वही बात है, वहां पर सी भी हो सकता है, अब डिपेंड करेगा। अब बच्चों के दिमाग में सवाल ये भी आएगा कि सर आप मुझे ये बताओ कि आप ये यहाँ पर किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि भाई यूनिट वेक्टर कौन किसके यूनिट किसकी निकालनी है और सीधा वेक्टर कौन सा यूज करना है। यहां पर मान लीजिए उसने दे दिया भाई प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन बी वेक्टर।
अब यहां पर कैसे डिसाइड कर पाएंगे हम भी, हमें यहां पर यूनिट वेक्टर कौन सा लेना है और सीधा वेक्टर कौन सा लेना है, तो वो भी बता देता हूं। जिस तरह से उसने ये जो ओन शब्द यूज किया है ना, ओन का मतलब होता है पर, हमें जिसके ऊपर निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर, हमें सी वेक्टर का प्रोजेक्शन यहां पर निकालना है, और किसके ऊपर निकालना है, बी के ऊपर, जिसके ऊपर निकालना होगा ना उसी का हम क्या करेंगे इस फार्मूले की तरह यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यहां पर हमारा फार्मूला क्या बनेगा, सी वेक्टर इंटू बी के ऊपर कैप, यानी कि बी का यूनिट वैक्टर, तो सी वैक्टर इंटू बी वैक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारा फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। कुछ भी दे सकता हो, कैसे भी दे सकता है, इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगी, बाकी आगे हम सवाल करेंगे और भी अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका ये बेसिक था थोड़ा सा, वो मैंने करवा दिया है, अब आगे हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सवाल करेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे ये फार्मूले हम यूज कर सकते हैं। तो भाई सवाल नंबर एक की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है इस शीट के अंदर, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड रूट थ्री एंड टू रिस्पेक्टिवली हैविंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट सिक्स। देखो यहां पर हमें करना क्या है, हमें यहां पर सीधे सीधे कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने बताया था कोस थीटा का फार्मूला हमारा क्या था, कोस थीटा का फार्मूला हमने क्या निकाला था, यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये फॉर्मूला हमने वहां पर अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, तो इसी फॉर्मूले का यूज इस पहले ही सवाल में आ गया। देखो सीधे फार्मूला बेस्ड सवाल है और इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट इसलिए होता है, यहाँ पर माइनस प्लस का कुछ साइन होते हैं ना, उनमें बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं। ये सेम चीजें आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी चलती है और यहाँ पर भी चलती है, बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है, छोटी होती है, लेकिन उनमें आप कितने एक्यूरेट हो, नेगेटिव पॉजिटिव इन चीजों को कितने अच्छे से आप संभाल पाते हो, वो चीजें देखने वाली बात रहती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ए वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट दिया हमें, क्या दिया हुआ है, पहले तो डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ हमें कितना रूट सिक्स, और दूसरा उसने दिया हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और एक दिया हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमें क्या क्या दिए हुए हैं रूट थ्री और टू। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट थ्री है और बी वेक्टर का कितना है भाई दो है। अब यहां पर देखो जो चीजें हमें वहां पर लिखनी है वो मेरे ख्याल से सारी सारी चीजें यहां पर दी हुई हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है भाई, कितनी हो जाएगी, इस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वही फार्मूला हम सीधा सीधा यूज करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना है भाई रूट सिक्स, बोलो हाँ। और भाई यहां पर नीचे क्या होगा, नीचे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ये रूट थ्री है, और गुणा किससे के साथ कर देंगे, इसको दो के साथ कर देंगे। तो अब दो के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो अब इनको थोड़ी सी काटा पीटी मचाओ, काटा पीटी देखो यहां पर कैसे मचेगी, ये यहां पर रूट थ्री से अगर इसको कैंसिल करूंगा तो ये रूट टू पे चला जाएगा, लेकिन ये जो दो है क्या मैं इसको रूट टू इंटू रूट टू लिख सकता हूं, बोलो हाँ। तो यहां पर इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये रूट टू पे चला जाएगा, ऊपर क्या बच गया वन और नीचे क्या बच गया रूट टू, क्या बच गया भाई रूट टू। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, कोस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आई वन बाई रूट टू, और जब वन बाई रूट टू आता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई, थीटा हमारा जो होता है वो इक्वल टू 45 डिग्री होता है, क्योंकि कोस थीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री के ऊपर वन बाई रूट टू है, अभी मैंने टेबल बनाकर बताई थी। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर कोस थीटा की सारी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमें सारी की सारी वैल्यू जो है साइन थीटा की पता होनी चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री हमारा इसका आंसर आएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या कहा गया है। तो भाई देखो आगे जो सवाल दिया है, अब यहां पर क्या दिया, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यहां पर दो हमें क्या दे दी इक्वेशन, और इन इक्वेशन में से हमें यहां पर डॉट प्रोडक्ट निकालना है और उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना है और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर एंगल निकालना भी, एंगल क्या होगा इनके बीच का, तो देखो भाई यहां पर जो वेक्टर दिए हुए हैं मैं इनको ए वेक्टर और बी वेक्टर मान के चलता हूं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन के माध्यम से समझाया था ए वन बी वन के अकॉर्डिंग, यहां पर बताऊंगा आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, आई माइनस 2j प्लस 3k, और b वेक्टर में क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों 3i माइनस 2j प्लस k, 3i माइनस 2j प्लस k, एक बार मैच कर लेता हूं भाई मैं,
आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, थ्री आई माइनस टू जे प्लस के, बिल्कुल सही है। तो यहां पर इनके ऊपर कैप लगा लो, अच्छा रहेगा। देखो अब हमें करना क्या है, यहां पर टोपी अच्छी बना देता हूं। तो यहां पर देखो अब करना क्या है, हमें यहां पर कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहां पर अब हमें करना क्या है, देखो इसे पीछे वाले सवाल में तो सीधा सीधा ए वेक्टर बी वेक्टर ये सारी चीजें दी हुई थी, इस बार हमें ये चीजें बनानी पड़ेंगी। अब ये चीजें बनानी है तो हमें डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट की बात करनी है, तो इनका हमें क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है या डॉट प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों वैक्टर का। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो मैंने बताया था तुम लोगों को ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, अभी मैंने ये चीज़ तुम लोगों को समझाई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर ये हमारा इसके साथ जो इसका जो कोफिशियंट है आई का वो ए वन है, और इसका कोफिशियंट जो तीन है ये हमारा क्या है बी वन है। तो यहाँ पर इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है सभी की। अब देखो साइन का मैंने कहा था भाई साइन यूज होंगे इनके, साइन पर डिपेंड रहेगी सारी चीज़ें, साइन ध्यान रखना। तो इसको मैं लिखता हूँ एक बार, इनको थोड़ा सा लिख के ही दिखा देता हूँ अच्छे से, ताकि तुम लोगों को पता चल जाएगा, बेस क्लियर हो जाएगा और भी। तो थ्री इंटू आई का कोफिशियंट यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है इसके साथ यहाँ पर वन दिया हुआ है, प्लस का साइन। तो यहाँ पर जे का कोफिशियंट क्या है माइनस के टू, और गुणा में जे का कोफिशियंट क्या है माइनस के टू, फिर प्लस का साइन, यहाँ पर तीन, और यहाँ पर कोफिशियंट नहीं दिया तो मतलब है एक। अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व करो, तीन प्लस माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के दो और माइनस दो की क्या हो जाएगा प्लस के चार, प्लस थ्री इंटू वन थ्री, चार और तीन सात और तीन दस। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया ए वन ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया भाई हमारा, ये आ गया सॉरी ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारा दस के इक्वल आ गया। अब हमें यहाँ से और आगे इनके मैग्नीट्यूड भी तो निकालने हैं। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो पहले, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड पहले वाली सीट में कितने अच्छे तरीके से करवाया था मैंने, अंडर द रूट लिखो, क्या करो भाई अंडर द रूट लिखो, और यहाँ पर क्या है जितने भी ये वैल्यू दी हुई है इनके जो कोफिशियंट दिए हुए हैं इनको स्केयर करो, इनका सम आपस में ऐड कर दो। तो वन का स्केयर वन प्लस माइनस के टू का स्केयर फोर प्लस तीन का स्केयर नौ, ये कितने के इक्वल हो जाएगा, नौ और चार तेरह और एक चौदह, अंडर द रूट फोर्टीन आ गया ये। अब जिस बच्चे ने पहले वाली क्लास जो हमारा फर्स्ट सीट है वो ध्यान से नहीं देखी है, तो वो यहाँ पर इन सवालों को करने में उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी, पूरी की पूरी पहले वाली सीट के ऊपर बेस है क्लास, वो बेस का काम कर रही है, उसको जरूर देखना है, फिर इसको देखने का फायदा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई एग्जाम के अंदर तुम्हारा कोई एक सिंगल सवाल भी छूट जाए, क्लास चाहे थोड़ी लंबी हो जाए टॉपिक लंबा चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही तुम्हारा फायदा रहेगा। अब देखो अब बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं भाई अंडर द रूट करेंगे इसको, तीन का स्क्वेयर नौ प्लस माइनस के दो का स्क्वेयर चार प्लस वन का स्क्वेयर वन, तो यहाँ पर ये भी हमारा रूट फोर्टीन हो गया, तो दोनों का सेम आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो भाई, वैल्यू पुट करने में क्या दिक्कत है, ए वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना है भाई दस, और डिवाइड बाय किससे करेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड से रूट चौदह गुणा रूट चौदह। अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये दस बटे चौदह रूट चौदह मिलकर क्या हो जाएगा चौदह के इक्वल, ये दो पे हमारा कटेगा पाँच बटे सात, क्या हो गया पांच बटे सात। अब ये क्या आ गया हमारा, ये जो वैल्यू आई हमारी कोस थीटा की वैल्यू आ गई पांच बटे सात, लेकिन हमें तो इस थीटा की वैल्यू निकालनी है भाई, एंगल निकालना है कि क्या होगा, अब यहां से तो निकालना पॉसिबल नहीं है भाई, एंगल कैसे निकालें, तो करना क्या है कुछ नहीं करना है, थीटा इज इक्वल टू पांच बटे सात, मैंने क्या कहा था इस कोस को ये इधर गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, तो इसके ऊपर पावर माइनस वन लिख दो या फिर वन बाई कोस लिख दो, कोस इनवर्स हो जाएगा ये हमारा, थीटा की वैल्यू आएगी पांच बटे सात कोस इनवर्स, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। भाई समझ में आया, अरे देखो भाई हमारे पास सीधा सीधा क्या दिया हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। बिल्कुल आसान सवाल है, ए वेक्टर बी वेक्टर हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं, हमने कोस थीटा का फार्मूला पहले से ही हमें पता हुआ था,
तो हमने क्या किया, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बेस से मैंने बताया, अभी बेसिक फॉर्म लिख के समझाया था, जिसको समझ में नहीं आया उसको इस सवाल से समझ में आ जाना चाहिए था। और उसके बाद हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये सीट वन में मैंने बताया था, वहाँ से मैंने इसको लिया है, उसी फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं हम। और यहाँ पर हमने सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और ये हमारा आंसर। बोलो हाँ भाई, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ो। तो भी अगले सवाल की तरफ बढ़ो। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस जे ऑन दी वेक्टर आई प्लस जे। हिंदी में देखते हैं क्या लिखा हुआ भाई। सदिश आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। भाई मुझे तो बहुत कम समझ में आया ये प्रक्षेप, प्रक्षेप क्या होता है। अब हम प्रोजेक्शन निकालेंगे। यहां पर प्रोजेक्शन का फार्मूला भी मैंने अभी बताया था, आई माइनस जे और आई प्लस जे, ये दो वैक्टर दिए हुए मेरे आई माइनस जे, और बी वेक्टर क्या है मेरा आई प्लस जे। तुम लोगों को इस तरह से सवाल पेपर में आ जाएगा और बोलेगा भी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन दी वेक्टर बी निकालो। तो प्रोजेक्शन का फार्मूला हमने क्या निकाला था, प्रोजेक्शन का जो फार्मूला यहाँ पर बनेगा, देखो वो कितना आसान फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर ऑन बी निकालना, यानी कि हमें बी के ऊपर निकालना। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस जे के ऊपर निकालना है। आई प्लस जे को हमने बी वेक्टर मान के चले हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा फार्मूला, ए वेक्टर और बी के ऊपर कैप, इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। तो ये क्या फार्मूला, हमारा पूरा फार्मूला जब हम ओपन करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ। तो अब यहाँ पर हमें जरूरत किस किस चीज़ की पड़ेगी, एक तो हमें इन दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी और एक इसके बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। अब पहले हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अभी डॉट प्रोडक्ट पीछे वाले सवाल में भी निकाला था, यहाँ पर इनके कोफिशियंट्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। इसका और इसका कोफिशियंट आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वन, और इसका कोफिशियंट आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का वन, क्योंकि ये माइनस का वन और ये प्लस का वन है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। ऊपर वाली वैल्यू हमारी जीरो आ चुकी है, तो आगे इस सवाल को करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमारा, अब मैग्नीट्यूड हमने अभी अभी निकाला था, पीछे वाले सवाल में भी किया है, तो यहाँ पर बी वेक्टर का निकालना है, ए वेक्टर का अब कोई काम नहीं रहा है, तो इसके कोफिशियंट और इसके कोफिशियंट इन दोनों के स्क्वेयर को आपस में ऐड करो और अंडर द रूट कर दो। तो वन का स्क्वेयर वन प्लस वन का स्क्वेयर वन क्या हो जाएगा भाई, रूट टू। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ऊपर हमारा जीरो आ जाएगा और नीचे हमारा रूट टू आ जाएगा। अगर बाद में हम इसको देखेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑफ वेक्टर ए ऑन दी वेक्टर बी, तो ये हमारा, ये हमने क्या किया है, ये जो फार्मूला है यहाँ पर, ये बी के ऊपर कैप लगाई है, इसका मतलब है ये बी का यूनिट वेक्टर यूज करना है। अभी मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, अब बार बार इस चीज को बताने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर ले सीट टू की क्लास को, सीट टू में मैंने इसके बारे में बताया है। अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। तो भाई सवाल नंबर चार की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, तो यहाँ पर भी प्रोजेक्शन वाला सवाल है, ये सवाल तुम अपने आप कर लेना और इसका जो आंसर होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर, ताकि मैं अगली क्लास में आप सभी का नाम अनाउंस कर पाऊँ। और जो हमारा अगला सवाल है वो देखो, शो दैट ईच ऑफ द गिवन थ्री वैक्टर्स इज ए यूनिट वैक्टर। यहाँ पर हमें तीन वैक्टर दिए हुए हैं, वो मैंने पहले ही लिख दिए हैं बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पर तीन वैक्टर हमारे दिए हुए हैं और ये जो तीन वैक्टर हैं ये तीनों ही यूनिट वैक्टर हैं, ये हमें प्रूव करना है कि भाई तीनों यूनिट वेक्टर हैं। और दूसरा, आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह के सवाल पेपर में आ सकते हैं, यस और नो कुछ भी यहाँ पर वेक्टर दे देगा, बोलेगा कि ये क्या है, परपेंडिकुलर पैरेलल क्या है। तो यहाँ पर देखो हमें दो चीज़ें यहाँ पर निकालनी है, एक तो निकालनी है कि भाई ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है। परपेंडिकुलर की जब भी बात आएगी, तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर में कोस 90 जीरो डिग्री होता है, कोस 90 डिग्री जो हमारा वो जीरो के इक्वल होता है, कोस थीटा जो 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यूनिट वेक्टर की जब बात आएगी तो हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा वन के इक्वल होना चाहिए। अब हमें ये दो चीजें यहां पर निकालनी पड़ेंगी, हालांकि इस तरह के बहुत सारे सवाल मैं करवा चुका हूं, तुम लोग खुद से चाहो तो इस सवाल को कर सकते हो।
इस सवाल को तुम लोग अपने आप भी बना सकते हो, लेकिन मैं बनाकर दिखा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल फिर तुम लोग ये बोलो कि भाई सर ये डाउट रह गया, ये डाउट रह गया, तो इसीलिए मैं इसको करवा के दिखा देता हूँ। ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है इसके अंदर, परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे किसी भी दो वैक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए बी का, बी सी का, सी ए का, यहाँ पर हमारा जीरो का इक्वल आना चाहिए। और यूनिट वेक्टर तब होगा जब ए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, बी का 1 होगा, सी का 1 होगा, तीनों का हमारा 1 1 1 होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट में ए और बी वेक्टर का निकालूंगा। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने अभी क्या किया था, अभी हम पीछे से करते आ रहे हैं, लगातार हमने यही चीज की है। तो यहाँ पर इन दोनों का आपस में क्या करना है, इसके कोफिशियंट और इसके कोफिशियंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2/7 गुणा 3/7, इसको ब्रैकेट में रख लो, प्लस अब इनके कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ए और बी की मैं बात कर रहा हूँ। तो 3/7 और इनके साइन 7 के साथ रखो, माइनस के 6/7, प्लस का साइन रखो, और यहाँ पर अब इनके ऊपर कैप लगा लेना भाई, आई जे के ऊपर ये सारी की सारी कैप लगा लेना भाई, बाय मिस्टेक रह गई है, ठीक है। तो ये 6/7 और गुणा 2/7, एक आधी बात का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी दिया करो कि भाई ये कैप रह गई थी, मैं भूल गया था, ये जरूरी है नहीं है, ये बोल दिया करो, हाँ सर हमें पता है ये रह गई, कोई बात नहीं, इस तरह की बातें बता दिया करो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो यहां पर देखो भाई ये हो जाएगा 6/49, प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 18/49, और ये हो जाएगा प्लस के 12/49। अब क्या है, इनका बेस सेम है, तीनों का बेस सेम है, तो सीधे के सीधे आपस में ऐड और वो हो जाएंगे, ये 12 और 6 प्लस के हैं, तो प्लस के 18 और ये माइनस के 18, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ गया। यानी कि हमने क्या निकालना था, अभी डॉट प्रोडक्ट हमारा जीरो के इक्वल आना चाहिए, तो ए वैक्टर और बी वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो वो जीरो के इक्वल आ गया। मतलब क्या है, ए वैक्टर और बी वैक्टर तो परपेंडिकुलर है। अब बी वैक्टर और सी वैक्टर की बात करें तो ये तुम खुद से निकालोगे, ये भी जीरो आएगा हमारा, और सी वेक्टर और ए वेक्टर की बात करेंगे तो ये भी हमारा जीरो आएगा। मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों जो वेक्टर दिए हुए हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के ऊपर लंब हैं, और इनके बीच जब एंगल निकालेंगे तो वो कोस 90 डिग्री आएगा। अब दूसरी बात मैं और एक समझा देता हूँ यहाँ पर, और उसने बात कही भाई क्या ये यूनिट वैक्टर है। अब हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेक करना पड़ेगा। अब मैं पहले ए का ही मैग्नीट्यूड चेक कर लेता हूँ, बाकी का तुम खुद से करोगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट, इनके जो कोफिशियंट है उनका स्क्वेयर। तो 2/7 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 4/49, प्लस 3/7 का 9/49, बोलो हाँ, प्लस 6/7 का 36/49। अब इनको आपस में ऐड करेंगे, 39, 36 और 9 45 और 4 49/49 हो जाएगा ये अंडर द रूट। अब यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ गया। क्या आ गया भाई, ये मेरा 1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड भी 1 आ रहा है ए वेक्टर का। जब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो भी 1 ही आएगा, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम खुद से निकालोगे वो भी 1 आएगा। मतलब ये दोनों जो कंडीशन है हमारी इन तीन वेक्टर्स के अंदर सेटिस्फाई कर रही है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर भी हैं और यूनिट वेक्टर भी हैं। ये दो चीजें इस सवाल के अंदर हमने प्रूव कर दी हैं। अब इन चीज़ों के बारे में इस क्लास की जो PDF है वो तुम सबको पता है, मैथ्स बाय प्रदीप सर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और जो इसके कोई आपके डाउट होते हैं तो वो मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पर सर्च करोगे मैथ्स बाय प्रदीप सर वहाँ पर भी मिल जाऊँगा मैं, और अगर इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे तो प्रदीप सहरावत मैथ्स, @ प्रदीप सहरावत मैथ्स, तो वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। क्योंकि अभी क्या है, आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम हो जाएगा जब मैं ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट रहूँगा, उनके सवालों के जवाब जो है वो ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम पर ही दे पाऊँगा। अभी क्या है, हमारे पास धीरे धीरे बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं, अब कुछ समय के बाद ऐसा टाइम आ जाएगा कि मेरे पास टाइम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एकदम से मान लीजिए 200 300 बच्चों के एक दिन में मैसेज आते हैं तो सभी का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। अभी तो चलो 10 5 बच्चों के ही मैसेज आते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा भी हो जाएगा, इसीलिए इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े, और साथ ही टेलीग्राम पर भी जुड़े, और भाई फेसबुक पर भी जुड़े, हर जगह जुड़े। सोशल मीडिया पर आप लोगों का ही फायदा है, हर तरह की चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है मैं शेयर करता हूँ, और हर क्लास की जितनी मेरी हुई है सारी PDF मैथ्स बाय प्रदीप सर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको, और कमेंट बॉक्स में मैं पिन करवा दूंगा, ठीक है, वहां से ले लेना। तो भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट लो, और जो ये चीजें मैंने बोली हैं ये अपने आप से भी किया करो। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ो। तो भाई सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ो, यहां पर देखो क्या दिया हुआ है।
फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए और बी का, और हमारे पास इक्वेशन दे दी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर है किसके, 8 के। पहले तो हम इसी चीज को लिख लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट इनटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर है 8 के। अब दूसरी बात हमें क्या दी हुई है, एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 इंटू बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल यही चीजें दी हुई हैं भाई, और आगे हमें करना क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। बोलो हाँ हाँ भाई, निकाल दोगे हैं? नहीं निकालोगे? मैं निकालूंगा फिर। देखो अब यहां पर ये इक्वेशन दी हुई है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या दिया हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी एलजेब्रा की इक्वेशन है, ये हमारी हो जाएगी किसके इक्वल, जैसे हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी दिया होता है हम उसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह से हम इसको लिखेंगे यहां पर। मैंने कहा था इस तरह से जब हमारे पास ए वेक्टर गुणा ए वेक्टर हो जाए तो हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे ए वेक्टर का स्क्वायर, हम इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां पर ए का स्क्वायर मान लीजिए ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और यहां पर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर है भाई, 8 के बराबर है। ये इक्वेशन यहां से मैंने सोल्व करके मैं यहां तक पहुंच गया। अब यहां पर देखो ए वेक्टर हमारा किसके बराबर दिया हुआ है, ए वेक्टर जो है हमारा वो किसके बराबर है, हमारा ए वेक्टर दिया हुआ है 8 इंटू बी वेक्टर के। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, 64 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ। तो यहां पर मैं अब वैल्यू पुट कर देता हूं, 64 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर किसके, 8 के। बोलो हाँ। अब यहां से क्या होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा सीधा सीधा, एलजेब्रा का सवाल अगर देखा जाए तो वेक्टर के अंदर पूछा हुआ है, समझदार बच्चों के लिए तो एलजेब्रा है। 63 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर किसके, 8 के। अब ये उस साइड ले जाएंगे हम तो क्या बचेगा हमारे पास, जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो बचेगा 8/63, क्या बच जाएगा भाई, 8/63। अब यहां से 8/63 है जो, अगर मुझे निकालना है सीधा सीधा बी वेक्टर, तो हम बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो यहां पर हम दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे, अगर हमने इधर रूट कर दिया तो ये पावर 2 खत्म हो जाएगी और ये हो जाएगा अंडर द रूट 8/63। अब इसको लिख सकते हैं हम 4 × 8, ये लिखेंगे हम 2√2 जब 8 रूट से बाहर आएगा, और 63 को लिखेंगे 9/63 यानी कि 3√7, 9/63 3√7, ये आ गया हमारे पास बी वेक्टर की वैल्यू। अब ये तो हमारी निकल गई, बी वेक्टर हमारा आ गया ये, ठीक हमने बी वेक्टर तो निकाल दिया, अब बची बात ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर निकालना रह गया, ए वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, ए वेक्टर हमारा है 8 इंटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, तो बी वेक्टर का यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, 8 × बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हमारा, 2√2/3√7 ये हो जाएगा 16√2/3√7, ये आ गई हमारी इसकी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यहां पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो दोनों वैल्यू हमने निकाल दी, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी निकाल दिया और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी निकाल दिया। अब बताओ इस सवाल में कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान आसान सवाल है, एक बार फॉर्मूला और थोड़ा सा बेस पता चल जाए ना बच्चों, स्क्रीनशॉट लो पहले, तो बिल्कुल इन सवालों में कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला और आप लोगों को इनका बेस पता चल जाए। कई बार लोग क्या करते हैं, आपको सीधे सीधे पांच, उनको क्योंकि 4-5 ही सवाल करवाने होते हैं, बाकी के सवाल उनको पेड कोर्स में करवाने होते हैं या वो नहीं करवाते हैं वो मुझे नहीं पता है, पर वो करते क्या है, तुम लोगों को एक फार्मूला बताएंगे और उससे जुड़े हुए 2-3 सवाल करवा के भाग जाएंगे, फिर दूसरी वीडियो लेकर आ जाएंगे, एक सवाल करवाएंगे, एक फार्मूला बताएंगे, 2-3 सवाल करवाएंगे, फिर भाग जाएंगे। तुम लोग फिर उनका ढूंढते फिरोगे तो वो मिलेंगे नहीं, वो मिलेंगे कहाँ पे, जब 300-400 रुपए में कोई पेड कोर्स खरीद लोगे वहां पर, और पता नहीं वहां पर भी वो करवाएंगे या नहीं करवाएंगे इन चीज़ों को। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूं कि भाई जब एक चीज़ आप करवाने ही लग गए हो तो उसको पूरी शिद्दत से करवाओ, ताकि उससे जुड़ी हुई कोई चीज़, कोई डाउट बच्चों का न रहे।
क्योंकि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करो, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। इस तरह से बच्चों को बहकाना, उनका टाइम वेस्ट करवाना, ऊपर वाला भी देखता है, बच्चे डिमोटिवेट होते हैं इन चीज़ों से। क्योंकि मान लीजिए अब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ आपसे छुपा के रख लेता हूँ, कल आप सोचोगे, आप तो आपको तो ये लग रहा है कि हाँ जी सर ने बिल्कुल सारा सारा हमें पूरा टॉपिक क्लियर करवा दिया, एक चीज़ एक डाउट नहीं बचाया, लेकिन मैं छुपा लेता हूँ अगर कुछ चीज़ तुमसे, तो कल क्या होगा, कल तुम पेपर देने जाओगे, फिर वहाँ पर तुम्हारा डाउट रह जाएगा, फिर आगे तुम मुझे गालियाँ दोगे कि सर ने ये चीज़ तो करवाई नहीं और वैसे बोल दिया कि भाई मैंने पूरा करवा दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ भी उन लोगों से बचो, बस उन लोगों से दूर रहो जो लोग तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं, वो तुम लोगों को डिमोटिवेट करने का काम करते हैं, उससे तुम्हें ये लगता है कि भाई इतना कर लिया फिर भी नहीं हो पाया, इतना कर लिया फिर भी नहीं हो पाया, तो फिर कैसे होगा। तो बस ये बात है, अब जितना मैं करवा रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। कोई पेड कोर्स मैंने बेचना नहीं है, किसी पीडीएफ को के ऊपर मैंने चार्ज नहीं लगाना, हर चीज़ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है, चाहे मैं मतलब कि कितने भी टाइम तक मैं यहाँ पर पढ़ाता रहूँगा, जब तक मैं पढ़ाता रहूँगा हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूँगा, और वो चीज़ें देता रहूँगा जो पेड कोर्स में भी नहीं दे रहे हैं लोग। और भाई एक बात और बता दूँ, जैसे कोई बच्चा या कोई आदमी कोई चैनल को सब्सक्राइब करता है तो मेरे पास देखो नोटिफिकेशन आता है लगभग लगभग कि भाई इसने सब्सक्राइब किया है। तो बहुत सारे जो लोग अपने आप को मास्टर बनाए बैठे हुए हैं, जो छोटे कुछ नोट्स किताबों में से लेकर आते हैं और बोर्ड पर खड़ा होकर ज्ञान झाड़ के चले जाते हैं, उन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, वहाँ से वो पीडीएफ उठाते हैं और तुम लोगों को वहाँ पर करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है अगर वो वहाँ से उठा के पीडीएफ और वही सवाल तुम्हें करवा देते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कंटेंट नकली लेकर आते हैं और फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं तो वो गलत बात है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो भाई सवाल नंबर जो 7 दिया हुआ है, इवेल्युएट द प्रोडक्ट, ये हमें प्रोडक्ट निकालना है, मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई है बिल्कुल सेम इसी तरह से, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, या फिर मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और आपस में सोल्व कर देना है, बस ए बी मान के इनको कर लेना तुम। अब अगले सवाल 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये सवाल अच्छा सवाल है, इसी तरह का सेम सवाल HSSC के पेपर में देखा है मैंने। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स ए वैक्टर एंड बी वैक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि उसने कहा है भाई दो वैक्टर हैं हमारे पास, एक ए वैक्टर है और एक बी वैक्टर है, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ए वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर, ये चीज़ उसने दे दी है। अब दूसरी बात की तरफ बढ़ेंगे, आगे उसने क्या कहा है, सच दैट द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री। अब यहाँ पर उसने एंगल भी दे दिया हमें, क्या कोस 60 डिग्री हमारा है, एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो कोस 60 हमारा किसके इक्वल होता है भाई, वो हमारा होता है 1/2 के इक्वल, मैंने बता दिया है ये बात, ये तो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी निकाल सकते हो। अब आगे उसने कहा एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही बात होती है, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी क्या दिया हुआ है 1/2। अब यहाँ से देखो क्या निकालना रह गया, अब यहाँ से निकालना हमें क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड निकालना हमें, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है वो किसके इक्वल है, यही उसने हमसे पूछा है। अब इस सवाल के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सारी चीज़ें हमें दी हुई है, पहले गिवन चीज़ें जो हैं उनको नोट करो, फिर समझने की कोशिश करो भी पेपर वाला एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। इतना आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सा बेसिक सा, ये तो चिन्नी चिन्नी सवाल हैं जो पेपर में आते हैं HSSC के में, बड़े लेवल के सवाल पेपर में नहीं आते हैं, और लोग क्या बोलते हैं इनको यार पता नहीं क्या आया हुआ पेपर में, तो ना तो ये कोई BSc MSc का मैथ है, ये सीधा +2 लेवल का मैथ है, NCERT करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम लोगों को करवाऊंगा RD शर्मा की बुक, उससे बाहर कभी सवाल नहीं जाएगा, वो जो RD शर्मा वाले जो सवाल आएंगे वो प्रैक्टिस में आएंगे, इनके अंदर मैं पूरा बेसिक बता रहा हूँ ठीक है, फिर प्रैक्टिस में आएंगे वो वेक्टर सब कुछ, सारे टॉपिक इतने ज़बरदस्त करवा दूंगा, सिर्फ इन्हीं की PDF की प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में सवाल बाहर नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो देखो भाई हमने क्या करना था, यहाँ पर कोस थीटा की बात करेंगे हम, कोस थीटा जब हमें एंगल निकालना था तो हमारा फार्मूला क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वैक्टर बी वैक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसी तरह से हमने कुछ निकाला था, तो यहाँ पर कोस थीटा हमें क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2 के इक्वल, ये पूरी वैल्यू रखो। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 1/2, ये भी 1/2 के इक्वल दिया हुआ है, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर और बी वेक्टर से। अब हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर तो क्या है, दोनों सेम है, जब ये दोनों ही सेम है हमारे पास तो मैं इनको दो वेरिएबल क्यों लिखूं, ये भी मेरा एक्स है ये भी मेरा एक्स है, या तो इसको एक्स स्केयर लिख लो या फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख लो, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर भी इसकी जगह पर भी ए वेक्टर ही
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिख दो तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि उसने कहा भाई दोनों क्या है, सेम है। अब यहां पर इसके बटे में लिख दो इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब भी दो वेक्टर सेम, जब भी सेम वेक्टर मल्टीप्लाई होगा आपस में ही, अपने आप से ही, तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से ये कैंसल आउट हो गया पूरा का पूरा, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर, और इधर क्या है बचा हुआ हमारे पास, वन के इक्वल हो जाएगा ये, बोलो। हाँ, वन के इक्वल हो जाएगा ना भाई, तो ये वन के इक्वल हो गया। अब यहां पर मैं इसका अंडर दी रूट करूंगा, दोनों साइड रूट करूंगा, तो दोनों साइड जब मैं रूट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि जब भी रूट से बाहर कोई वैल्यू आती है निकल कर, वो प्लस माइनस में होती है। लेकिन यहां पर हम माइनस नहीं लेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ प्लस में लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसको किस में लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा, क्योंकि मैंने ये बात बताई है, कभी भी जो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं किसी भी वैक्टर का, वो मैग्नीट्यूड कभी माइनस में नहीं आता है, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा। तो ये हमारा ए वैक्टर जो है वो वन के इक्वल आ गया, और तो बी वेक्टर भी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दोनों क्या थे, इक्वल थे, तो वन के इक्वल आ जाएंगे। मैं वेक्टर बोल गया इसको, वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। एक आधी चीज भाई इतनी लंबी क्लास करने में हो जाती है कि स्लिप ऑफ टंग हो जाती है कभी कभार, मैग्नीट्यूड को यूनिट बोल दें या यूनिट को मैग्नीट्यूड, में भी हो सकता है एक आध मिस्टेक छोटी सी हो जाती है, जिस तरह से मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को खाली वेक्टर ए वेक्टर बोल दिया था। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कम नोटिस किया करो, इन चीज़ों पर ध्यान दिया करो जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सीधा सीधा भाई एक्सप्लेनेशन क्या चल रही है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, फालतू की चीज़ों पर ध्यान न दो, काम की चीज़ें समझो, पढ़ने की कोशिश किया करो, टाइम वेस्ट मत किया करो, अपना स्मार्ट स्टडी करो, अपना हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करोगे तो सक्सेसफुल होगे, अगर हार्ड वर्क करते रह जाओगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। अब देखो भाई, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो भाई नवा क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। यहां पर हमें एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या होगा, आगे क्या दिया हुआ है, इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, ए वेक्टर जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, और मैंने क्या कहा था भाई, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। यहां पर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर है 12 के। तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ उसने, प्लस ए वेक्टर इंटू माइनस ए वेक्टर किसके बराबर दिया हुआ भाई, 12 के इक्वल दिया हुआ है, 12, बिल्कुल। तो हमें क्या करना है भाई, यहां पर हमें इस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर निकालना है। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, अब मैग्नीट्यूड निकालना, तो पहले हम इस इक्वेशन को ही सॉल्व करके देखते हैं, क्या पता हमारा यहीं से सवाल निकल के आ जाए। बस थोड़ा सा देखो, पीछे वाले कई सवाल इसी तरह के हुए हैं, वो तो मैं बस इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को फिर बाद में डाउट ना आए, इसीलिए सारे करवा रहा हूँ। अदरवाइज ये कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो तुम खुद से कर सकते हो, और ये सारे जो सवाल है ना, जितने भी मैं करवा रहा हूँ, मैक्सिमम 20-25 सेकंड, जो ज़्यादा लेंथी सवाल वो 30 सेकंड ले लेगा, आधी मिनट ले लेगा, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लेंगे। ये समझाना पड़ता है, सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसीलिए टाइम लगता है। तो अगर एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो फिर कल बच्चे बोलेंगे कि सर आप एक्सप्लेन तो करते नहीं, सीधा आंसर, सीधा आंसर करने की बजाय एक्सप्लेनेशन समझनी जरूरी है। एक बार सवालों की एक्सप्लेनेशन समझो, फिर पीडीएफ से उनको खुद से सोल्व करो, अपने नोट्स बनाओ, फिर देखो अपना लेवल, फिर पता चलेगा तुम्हें कि भाई हाँ आता है या नहीं आता है। मेरे से भी ज्यादा फास्ट ना हो जाओ तो फिर कह देना आके। तो भाई यहां पर हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर है किसके, 12 के, बोलो। हाँ, और यहां पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल दिया है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दूं, तो भी हमारा 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो यहां पर तो मैं वैल्यू 1 पुट कर सकता हूं, बोलो। हाँ, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, इसका स्क्वायर माइनस 1 है, ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 13। अगर दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर दूं तो यहां से पावर 2 कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा रूट के अंदर 13, बोलो। हाँ, बोलो भाई। और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस का साइन इसके आगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। स्क्रीनशॉट लो, बताता हूँ क्या हुआ इस सवाल के अंदर। देखो, उसने हमें दे दिया भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ये तो हमें पता ही है, बेसिक चीज है। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो भी हमारा 1 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर लो, 1 का क्यूब कर लो, हमेशा 1 ही रहता है।
ये इक्वेशन हमें दी थी, हमने इसको सॉल्व किया है। एक ऐसा ही सवाल मैंने होमवर्क के लिए भी दे दिया है तुमको, उस इक्वेशन को खाली ए प्लस बी ए माइनस बी मान के सोल्व कर दो यार, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और जब भी हमें मैंने क्या कहा था, किसी भी वेक्टर का जब मैं उसी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर हो जाता है, हम उस तरह से भी रख सकते हैं उसको। और मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर करेंगे, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो मैग्नीट्यूड का ही स्क्वेयर होगा। वो बात एक ही रहेगी, वो बात मैं पहले वाली शीट में भी बता चुका हूँ, इसमें ही बता रहा हूँ। और ये हमारा 12 के इक्वल आ गया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी थी तो रखा, तो बस हो गया बस सवाल। और बताओ क्या था इस सवाल के अंदर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई सवाल नंबर 10th 10वां क्वेश्चन है, इफ ए वैक्टर बी वैक्टर और सी वैक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। यहाँ पर देखो भाई क्या समझाना चाह रहा है वो, उसने एक बात हमें दे दी साफ साफ, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। मैंने क्या कहा था, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे एंगल 90 डिग्री होगा, तो कोस 90 जीरो के इक्वल होता है, तो इनका किया क्या हो जाएगा, इक्वेशन इक्वेशन जो हमारी जीरो के इक्वल हो जाएगी। अब हमें यहाँ से क्या निकालना भाई, लैम्बडा की वैल्यू, तो लैम्बडा की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। उसने हमें ये चीज देकर पूरा सवाल सोल्व कर दिया, अभी सवाल में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ इक्वेशन का सवाल रह गया, इक्वेशन का खेल रह गया। अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो इक्वेशन को जैसे ही सोल्व करेंगे यहां पर देखो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ये दो इक्वेशन जो है ए ए और बी वाली आपस में ऐड करेंगे, तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगी हमारी 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस, यहां पर पूरी इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस के लैम्डा आई प्लस 2λj प्लस लैम्डा के, ठीक है, क्योंकि इसको पूरी यहां पर बी वेक्टर जो वो लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको पूरे को हमें लैम्बडा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर सी वेक्टर की बात करेंगे, तो सी में क्या क्या दिया हमारा, डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ना इनका, जीरो के इक्वल 3i प्लस j बराबर है किसके, जीरो के। ये पूरी इक्वेशन हमारी जीरो के इक्वल आनी चाहिए। अब यहां से सोल्व कर लो इसको इक्वेशन को, क्योंकि यहां पर के तो दिया नहीं है, अगर मैं के लिखूं तो के सामने जो कोफिशियंट होगा वो जीरो होगा, इसीलिए यहां पर के नहीं दिया है। तो यहां पर इनके कोफिशियंट को उठा लो, कोफिशियंट कोफिशियंट उठाएंगे यहां से 2 माइनस i सॉरी लैम्बडा, ये लैम्बडा उठाएंगे यहां से प्लस ये जे के साथ का, जे का जो कोफिशियंट है वो 2 है, और इस जे का कोफिशियंट क्या है प्लस का 2 लैम्बडा, प्लस के का कोफिशियंट 3 है और यहां पर प्लस लैम्बडा, और इनटू यहां पर क्या है इसका कोफिशियंट 3 है, और 3 सीधा लिख लेते हैं इसको 3i प्लस j बराबर है किसके, जीरो के। अब क्या बचा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ से जो ये i वाली है इसके साथ i कोफिशियंट है ना, ये j कोफिशियंट और ये k कोफिशियंट है, इनको हमने आपस में ऐड कर लिया, इनको क्या किया है ऐड किया ना इन दोनों इक्वेशन को, तो ये इनके ऊपर कैप जरूर लगा लेना भाई, ये तो कैप तो मैं बार बार भूल जाता हूँ, टोपी पहना लो भी इनको, क्योंकि इनको टोपी नहीं पहनाओगे तो फिर तुम्हारे सवाल तुम सवालों को टोपी नहीं पहना पाओगे, और फिर एग्जामिनर तुमको टोपी नहीं पहनाएगा, और तुम टोपी पहनाने में लगे रह जाना, और फिर कोई और टोपी पहन के आगे निकल जाएगा, तो भाई कोई जरूरत नहीं है, बस देख लेना। बाकी ये जो क्लासेज है ना, ये एनडीए के लिए या फिर जेई मेन्स के लिए कोई भी तैयारी कर रहा ना, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को मैं टारगेट कर रहा हूँ जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम में आ सकते हैं। तो भाई यहां पर देखो अब क्या करना है, आगे आई की जगह पे, यहां पर आई की जगह पे 3 वैल्यू पुट करेंगे इस आई की जगह पे, तो ये हो जाएगा 3 × 2 माइनस लैम्बडा प्लस, और यहां पर जे की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 × 2 प्लस 2 लैम्बडा, और प्लस के तो है ही नहीं है, तो ये तो इक्वेशन मेरी जीरो हो जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो जीरो हो जाएगी, और ये सारा मेरा जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर इसलिए नहीं लिखा इसको मैंने, क्योंकि के यहां पर नहीं दिया हुआ है, अगर मैं यहां पर लिखूं प्लस जीरो के तब मेरी बात बनेगी। अब के का कोफिशियंट क्या है, जीरो, जब मैं इस इक्वेशन को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जीरो हो जाएगी ना अपने आप, और ये बराबर जीरो के दी हुई थी, तो मैं यहां तक पहुंच गया। अब इसको सोल्व करो, तो भाई ये 3 × 6 माइनस 3λ, लैम्बडा से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 2λ,
बराबर है 0 के। अब यहाँ पर 6 और 2 8, माइनस के 3 लैम्बडा और प्लस के 2 लैम्बडा, तो माइनस लैम्बडा बराबर है 0 के, और लैम्बडा बराबर है किसके इक्वल हो जाएगा, ये लैम्बडा उस साइड ले जाएंगे तो ये 8 के इक्वल आ जाएगा। तो लैम्बडा की वैल्यू हमने निकाल दी भाई, 8 इक्वल 8 के इक्वल आई हमारी लैम्बडा की वैल्यू। भाई सवाल फिर से समझ में आया कि नहीं आया हैं? पहले स्क्रीनशॉट लो फिर समझाता हूँ, और फिर इसका एक बार रिपीट करके देखना, दो बार देखना इस सवाल को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। देखो तीन इक्वेशन दी हुई है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है भाई। उसने बोला है इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, इसका ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का और सी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री एंगल है, तो 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था जब भी परपेंडिकुलर की बात करेगा तो हमारा क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल होगा, हमें लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने पहले इस इक्वेशन को लिया, ये यहाँ से यहाँ तक मेरी ये वाली इक्वेशन है, ए वेक्टर को पहले बी वेक्टर को हमने लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया, और ये ए वेक्टर है मेरा, हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने ये निकाल दिया, ये आ गया मेरा, और सी वेक्टर के साथ इसको फिर हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला। अब डॉट प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने क्या करना था भाई, कोफिशियंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या निकाला था, ए वन बी वन का मल्टीप्लाई प्लस ए टू बी टू का मल्टीप्लाई प्लस सी वन सी टू का मल्टीप्लाई, ये मैंने बिल्कुल बेस फॉर्म बना के बताया था। तो ये हमारा क्या है, ये पूरी इक्वेशन, ये ए वन है, ये हमारा बी वन है, और ये हमारा क्या है, सी वन है, ये हमारा ए टू है, ये हमारा बी टू है, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे ही हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई, और यहाँ पर हम जैसे ये आई की वैल्यू 3 नहीं पुट की हमने कभी कोई ये सोचे, हमने यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं आई के साथ, यहाँ पर कोफिशियंट क्या है 2 - x है, और यहाँ पर आई के साथ कोफिशियंट क्या है 3 है, तो इन दोनों कोफिशियंट का मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके कोफिशियंट का और इसके कोफिशियंट का मल्टीप्लाई करेंगे, जे के कोफिशियंट को जे के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करेंगे, के कोफिशियंट को के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो आएगा, के का कोफिशियंट यहाँ पर नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, के का कोफिशियंट 0 है, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन बच गई, और लैम्बडा हमारा 8 के इक्वल आ गया, जो बेस फॉर्म मैंने बताई थी उससे जुड़ा हुआ सवाल था ये। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ो भाई। तो भाई सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पर कुछ नहीं, अभी परपेंडिकुलर है कि नहीं हमें ये बताना है इस सवाल में, तो मतलब इसने वैसे तो बोल दिया अभी शो दैट ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कब होंगे, जब हमारा मैग्नीट्यूड क्या है 0 के इक्वल आएगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट क्या है वो 0 के इक्वल आएगा इन दोनों का, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो भाई इनका दोनों का, और 0 के इक्वल ही आएगा। देखो अलजेब्रा की तरह वैसे कर सकते हो तुम अगर चाहो तो, अदरवाइज मैं करके दिखा देता हूं, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वैक्टर आगे क्या है प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वैक्टर, एक इक्वेशन तो मेरी ये है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर, कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, ये स्केयर क्यों लिख दिया है यहां पे। हाँ भाई अच्छा, तो यहां पर इनका बस डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लो, अगर डॉट प्रोडक्ट इनका 0 के इक्वल आ गया तो समझो क्या ये है परपेंडिकुलर, अगर नहीं आया तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, बस बात खत्म। तो यहां पर देखो अब ये क्या होगा, इसको x, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बोलो हाँ, एलजेब्रा वाला सवाल है बिल्कुल वही, अभी 3-4 सवाल करवा भी चुका हूं ऐसे ही। तो देखो यहां पर अब इसका स्क्वेयर करेंगे हम इस वैल्यू का सिर्फ, तो यहाँ पर जब इसका स्केयर करूंगा मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो का स्केयर हो जाएगा, अब बी वेक्टर का स्केयर करूंगा मैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल हो जाएगा। अब माइनस माइनस अब इसका स्केयर करना पड़ेगा हमें, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाएगा, और ये
ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाएगा, बराबर जीरो के आना चाहिए। क्या ये जीरो के इक्वल आ रहा है? इनको आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपस में पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो जीरो आ गया। मतलब क्या, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इसका जो कोस थीटा है वो कितना है भाई, 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री थीटा होता है या फिर हमारा डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है तो ही ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ो, इस सवाल में कुछ खास नहीं था। तो भाई सवाल नंबर जो 12 दिया है उसमें दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर है जीरो के, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर है जीरो के, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। मतलब क्या कहना चाह रहा है भाई, एक ए वेक्टर दिया हुआ है, एक बी वेक्टर दिया हुआ है, तो उसने कहा है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर के साथ, वो जीरो के इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के इक्वल, इसको स्केयर के इक्वल भी लिख सकते हैं हम इसको, और इसको हम खाली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब आगे उसने कहा है कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी क्या है, जीरो के इक्वल, यानी कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अब तीसरी बात और उसने दे दी, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। मतलब हम क्या कह सकते हैं भाई बी के बारे में, कि वो जानना ये चाहता है कि भाई ए वेक्टर तो हमारा जीरो के इक्वल है, ठीक है, सीधी सीधी बात ये है, तो क्या बी वेक्टर भी हमारा जीरो के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो भाई यहां पर हमारा क्या है, अब मैं इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दूं ए वेक्टर की जगह पे, तो यहां पर अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो बी वेक्टर हमारा कुछ भी हो सकता है, जब जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा हमारा, यानी कि बी वेक्टर जो हमारा वो जीरो भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, उसका हम यहां पर कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि भाई बी वेक्टर क्या हो सकता है हमारा, बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, लेकिन हमारा ए वेक्टर जो है वो यहाँ पर जीरो ही रहेगा। बिल्कुल आसान सवाल था, इसमें और कुछ नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई। तो भाई सवाल नंबर 13, 13 नंबर सवाल, बिल्कुल आसान। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट, सबसे पहले यूनिट वेक्टर देखते ही दिमाग का घंटा बजना चाहिए क्या, कि भाई अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, इन तीनों का सम जो वो जीरो के इक्वल दिया है, कोई बात नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बिल्कुल आसान सवाल है, एलजेब्रा के सवाल से सवाल बना है ये, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, ये तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। उसने कहा है ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर का बी वेक्टर का और सी वेक्टर का वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, एक के इक्वल, 1 के इक्वल हो जाएगा। और उसने कहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, जीरो वेक्टर के इक्वल है, कोई बात नहीं। अब आगे हमें निकालना क्या है, यहां से हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर किसी ने एलजेब्रा पढ़ा होगा तो वो यहां से समझ जाएगा कि भाई हमें यहां पे क्या निकालना है, ठीक है। अब देखो यहां से मैं इन दो इसका भी स्क्वायर कर देता हूं और इधर इसका भी स्क्वायर कर देता हूं तो ये वाली टर्म मेरी निकल के आ जाएगी, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज और प्लस टू इंटू ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी ए, और ये बराबर किसकी है मेरी, ये बराबर आ जाएगी हमारी जीरो के इक्वल। बोलो हाँ आ गई ना भाई जीरो के इक्वल। अब यहां पर हमें दिया हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनके जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो ये 1 + 1 + 1 हो जाएगा, और ये प्लस 2 इंटू ये पूरी इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है वो बराबर किसके है, जीरो के। बोलो हाँ। अब ये तीनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 के इक्वल। तो यहाँ पर मैं पूरी इक्वेशन है ये मेरे पास 2 इंटू ये इक्वेशन, और ये 3 उधर जाके किसका हो जाएगा भाई, माइनस का 3 हो जाएगा। और ये जो पूरी इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, ये पूरी इक्वेशन अब यहाँ पर लिखनी पड़ेगी एक बार और, बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर इंटू सी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर किसके हो जाएगी, ये ब्रैकेट तो हम हटा भी सकते हैं यहाँ से, ये माइनस के 3 है और ये 2 इधर गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हमारी माइनस के 3/2 के इक्वल आ जाएगी। भाई बोलो फिर से, समझ में आया कि नहीं आया।
बिल्कुल आसान सवाल है। देखो एलजेब्रा यूज किया हुआ है, उसने हमें क्या बोला है, तीन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हैं, और उसने आगे क्या कहा है, ये तीनों ही हमारे यूनिट वेक्टर हैं, और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन के इक्वल हो जाएगा। तो तीनों का मैग्नीट्यूड हमने वन के इक्वल रख लिया। अब हमने क्या किया, उसने हमें एक इक्वेशन और दे दी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर है जीरो वेक्टर के इक्वल। तो हमने जीरो वेक्टर के इक्वल करके इन दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया। अब इधर स्क्वेयर किया तो ए वेक्टर का स्क्वेयर हमेशा मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर लिखा जाएगा, किसी भी वेक्टर का स्क्वेयर करोगे तो वो हमेशा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वेयर के इक्वल लिखा जाता है। ये सारी चीजें हमने लिखी, यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 into AB प्लस बी सी प्लस सी ए, एलजेब्रा का सवाल है, बराबर है जीरो के। यहाँ पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट की, यहाँ से उठाई, वन प्लस वन प्लस वन ये 3 आई, तो 2 into ये इक्वेशन है मेरी, तो 2 into ये इक्वेशन बराबर किसके, ये 3 उधर गया तो माइनस का हो गया। अब ये इक्वेशन मैंने पूरी इधर लिख के दिखा दी तुम लोगों को, तो ये 2 इधर गुणा में था, उधर जाके भाग में हो गया, तो माइनस का 3/2 हो गया बस। हाँ भाई चलो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो भाई देखो अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, इफ एदर वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, मतलब ए वेक्टर जो है वो 0 के इक्वल है, वो तो दिया ही है उसने, और बी वेक्टर भी 0 के इक्वल है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 ही होगा, ठीक है, उसने ये बात हमें दे दी। लेकिन हमें इसका उल्टा प्रूव करना है, वो क्या कहना चाह रहा है, बट कन्वर्ज यानी कि इसका उल्टा, नीड नॉट बी ट्रू, मतलब हमारा ए वेक्टर जो है वो भी 0 नहीं होगा, बी वेक्टर भी 0 नहीं होगा, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, वो कभी 0 नहीं हो सकता। क्या हो सकता, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, हमें ये प्रूव करना है, कभी 0 नहीं हो सकता। मतलब समझो ए वेक्टर, देखो यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों में से कोई एक भी 0 दिया तो डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने कहा भाई ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कभी 0 नहीं होगा, हमें ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए मैंने दो इक्वेशन उठाई है यहां पर, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इस तरह से कोई भी दो इक्वेशन दे दी, और हमें ये प्रूव करना है कि क्या इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आएगा या 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, न तो ए वेक्टर 0 के इक्वल है और न ही बी वेक्टर 0 के इक्वल है, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, डॉट प्रोडक्ट, ये चीज प्रूव करनी है। लेकिन वो 0 हो सकता है, ये चीज हम निकालेंगे अब यहां पर, उसको हम गलत साबित करेंगे, क्योंकि चाहे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हो, 0 न हो तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ सकता है, ये चीज प्रूव करनी है बस। तो यहां पर अब इसका प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए इनके कोफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई, 4 2 8 माइनस के 3 और माइनस के 5, बोलो हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 8 बराबर है 0 के। ये एक इक्वेशन मैंने अपनी तरफ से लिखी है भाई, ठीक है, इस इक्वेशन से हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। इक्वेशन और भी हो सकती है इसी तरह की, जिनसे हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि क्या यदि हमारा जो ए वेक्टर भी 0 ना हो और बी वेक्टर भी 0 ना हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट फिर भी हमारा 0 हो सकता है, हमें ये चीज प्रूव करनी थी। तो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर, यहां पर तीन वर्टिसेस दे दिए हमें, एक ए है एक बी है और एक सी है, तो वर्टिसेस क्या क्या हैं, 1 2 3, और बी वर्टिसेस के क्या हैं, माइनस का 1 0 0 0,0, और यहां पर तीसरा क्या दे दिया भाई, 0 1 और 2, सी क्या है, 0 1 और 2, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है, हमें यहां से आगे क्या निकालना है, रिस्पेक्टिवली देन फाइंड एंगल ए बी सी, हमें एंगल ए बी सी निकालना है, भी थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की, तो कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या कहा था तुम लोगों को, जब भी हमें कोस थीटा निकालना पड़ जाए तो हमारा क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, हमें यहां पर एंगल निकालना है भाई, एंगल कितना होगा हमारा, और आगे क्या कहा है, ए बी सी इज द एंगल, जो हमें बी एंगल निकालना है उसका ट्रायंगल के अंदर, ए बी सी के अंदर, मतलब एंगल ए बी सी निकालना हमें, एंगल
ए बी और सी। एंगल हमेशा ये वाला उठाया जाता है जो बीच में लिखा होता है इन तीनों के, ठीक है। तो आगे क्या कहा है, हमें ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर। तो ये जो एंगल हमारा, ये बी ए, वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी के बीच का है, यानी कि जो एंगल बी है वो हमारा क्या है, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच का एंगल है, बी ए वेक्टर बी ए और बी सी वेक्टर, ठीक है। अब यहां से देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है इस सवाल के अंदर, बिल्कुल आसान सवाल है। यहां से हमें ना एक तो वेक्टर ए लेना पड़ेगा और एक वेक्टर बी। अब यहां से इन दोनों के बीच का एंगल है, यहां से हम ए वेक्टर और बी वेक्टर उठाएंगे, इसको हम बी ए को लेंगे ए वेक्टर और बी सी को लेंगे बी वेक्टर, ठीक है। यानी कि बी ए वेक्टर बराबर है ए वेक्टर ले लेंगे इसको, और बी ए का मतलब क्या है, मैंने फर्स्ट जो सीट करवाई थी उसमें क्या कहा था, ये हमारा क्या होता है इनिशियल पॉइंट, ये हमारा क्या होता है टर्मिनल पॉइंट। और जब भी हमें ये ए वेक्टर, अगर हमारे पास ये बी ए ना देता, वो सीधा ए वेक्टर की बात करता, तो हम इनको आई जे और के लगा देते सीधे सीधे। पीछे वाली सीट में मैंने एक सवाल ऐसा ही करवाया था, उसमें मैंने सीधे सीधे आई जे और के इनके साथ कैप लगा दी थी, लेकिन वहां पर क्या था, हमारे पास डायरेक्शन नहीं दी थी उसने, सीधा ए वेक्टर की बात की थी, भाई ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है। यहां पर उसने बोला है बी से ए तक, यानी कोई लाइन है बी से शुरू होकर ए पर खत्म हो रही है, उसकी वो बात कर रहा है, तो बी ए की बात उसने की है। यानी कि ये हमारा क्या है इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है टर्मिनल पॉइंट। और हमेशा मैंने एक बात कही थी, जब भी हमें इस तरह से कोई वेक्टर निकालना पड़ जाए तो टर्मिनल में से इनिशियल पॉइंट को हम माइनस करते हैं। तो टर्मिनल क्या है हमारा यहाँ पर ए, और इनिशियल क्या है बी, तो ए में से बी को हम माइनस करेंगे तब जाकर हमारा ए वेक्टर आएगा। तो ए वेक्टर निकालो, वन माइनस वन, वन माइनस माइनस वन, ये आई प्लस, फिर जे की बात करेंगे, जे का कोफिशियंट निकालेंगे, टू माइनस जीरो, ये जे का प्लस, फिर आगे क्या है थ्री माइनस जीरो, और ये हो जाएगा मेरा के ऊपर कैप। टर्मिनल में से हमने क्या किया, इनिशियल को माइनस कर दिया, तो ये क्या बच जाएगा अब हमारे पास, ये प्लस का हो जाएगा, वन प्लस वन टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, बोलो। हाँ अब आगे देखो उसने क्या कहा है, एक बी सी की बात करी है उसने, तो ये बी सी को हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, बी वेक्टर के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ पर बी सी का मतलब क्या है, ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है। सी में से बी को माइनस करो, अब जीरो में से एक माइनस करो, जीरो में से माइनस के एक को माइनस करोगे तो ये प्लस का वन हो जाएगा, तो प्लस के वन आई कैप प्लस, वन में से जीरो माइनस करेंगे तो वन जे कैप प्लस, टू में से जीरो माइनस करेंगे तो टू के कैप, ये बन गए हमारे, बोलो। हाँ अब यहाँ से हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी ए वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना है, सीधा इनके कोफिशियंट के स्क्वेयर का सम, तो सॉरी इनके कोफिशियंट का जो आपस में मल्टीप्लाई है उसका सम, टू इंटू वन टू प्लस टू इंटू वन टू प्लस तीन दूनी छः, ये कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। क्या हो गया मेरा 10। अब देखो हमें क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, यहाँ पर लेकर आना है ना हमें, तो मैग्नीट्यूड निकालो। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो पहले, तो ये हमारी वेक्टर ए की इक्वेशन है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा हमारा, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर दी रूट, चार प्लस चार प्लस नो, ये हो जाएगा 9 और 8 अंडर दी रूट 17, बोलो। हाँ अब हमें क्या करना होगा, हमें इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारा, वो आएगा 1 1 और 4, 1 प्लस 1 प्लस 4 अंडर दी रूट, तो ये बनेगा हमारा अंडर दी रूट 6 के इक्वल, बोलो। हाँ तो अब यहां से हमें क्या करना होगा, अब यहां पर हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये हमारे पास क्या है, यहां पर ये हमारे पास आया हुआ है इसका डॉट प्रोडक्ट, तो हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सीधी यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर डॉट प्रोडक्ट ऊपर लेंगे 10, और डिवाइड करेंगे किससे, √17 गुणा √6 से, बराबर किसके हो जाएगा 10 बटे अंडर द रूट 102 के, ठीक है भाई। अब देखो यहां से क्या हो गया, हमें क्या निकालना था, हमें तो थीटा निकालना है ना, एंगल की बात कर रहा है वो, तो हमें तो थीटा निकालना है, तो
तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कोस को साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 बाय 10 बाय 102 अंडर द रूट इनटू कोस थीटा इनवर्स, क्योंकि ये कोस इधर से गुणा में था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा थीटा आ जाएगा, एंगल आ जाएगा भाई इन दोनों के बीच इतना एंगल है, इस तरह से हमारा ये एंगल निकल के आ गया। बोलो भाई सवाल समझ में आया कि नहीं आया हैं? बोलो। हाँ भाई बिल्कुल आसान सवाल है, स्क्रीनशॉट लो पहले फिर बताता हूँ। देखो उसने क्या किया, उसने हमें ए बी सी तीन यहाँ पर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, इन कोऑर्डिनेट्स से हमें क्या करना था वेक्टर बनाने थे। उसने हमसे एंगल ए बी सी यानी कि बी एंगल पूछा कि क्या है, कोस थीटा हमें पता है, यहाँ पर थीटा का फार्मूला कैसे लगाते हैं, तो इस तरह का सवाल एचएसएससी के पेपर में आ चुका है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट और इनके मैग्नीट्यूड का आपस में प्रोडक्ट। उसने ये भी बोल दिया कि भाई जो एंगल है ना, हम वैसे तो हम तीनों ले सकते थे लेकिन तीसरा हमें लेना ही नहीं पड़ा, उसने बी ए और बी सी की बात कर दी। मैंने एक बात कही थी, अगर हमारे पास इस तरह से बी ए और बी सी नहीं दिया होता, सीधा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हमें करना होता तो हम इनके साथ आई जे के लगा देते, लेकिन जब बी ए निकालना पड़ गया ना, हमें दो एक लाइन के दो पॉइंट दे दिए, एक इधर का एक इधर का, तो उन दोनों के बीच ये इनिशियल ये टर्मिनल, ये इनिशियल ये टर्मिनल, टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारे पास वेक्टर बन के आएंगे और वेक्टर की फॉर्म में आ गया। फिर हमने इनका मैग्नीट्यूड सॉरी डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फार्मूले में वैल्यू पुट और सीधा हमारा सवाल का आंसर। बोलो हाँ हाँ भाई हो गया सवाल, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा इस टॉपिक के अंदर कुछ ही सवाल और बचे हुए हैं, ये टॉपिक हमारा लगभग कवर हो रहा है, सीट टू हमारी कंप्लीट होने वाली है। थोड़ा सा और धैर्य बना के रखो, क्योंकि जितना धैर्य तुम बनाकर रखोगे उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, लेकिन तुम लोगों का फायदा होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर इतना बक 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 करता रहा हूँ, हर एक सवाल तुमको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, कोई सवाल पेंडिंग नहीं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि फिर बाद में तुम लोगों को डाउट आने ही आने हैं, मुझे पता है, क्योंकि प्रैक्टिस तुम लोगों ने नहीं करनी है। प्रैक्टिस हर बच्चे का नाम नहीं ले रहा मैं, पूजा सैनी ने मुझे वो भेजे थे स्क्रीनशॉट, तो मैं हर बच्चे की बात नहीं करा, लेकिन कुछ बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 80% बच्चे ऐसे ही हैं जो आते हैं, माता का माल बोलते हैं उनको, वो आते हैं स्किप 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 करते हैं और चले जाते हैं, वो सारी उम्र स्किप ही करते रह जाएंगे, मुझे क्या फ़ायदा है तुम लोग मेरी क्लास देखो ना देखो, मुझे कुछ मिलना थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को क्यों बोल रहा हूँ क्लास देखो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा यहाँ से, बाकी ना बनाना तुम्हारी मर्जी है। अगले सवाल की तरफ बढ़े हम, तो भाई अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। शो दैट द पॉइंट्स ए 1, 2, 7 एंड बी 2, 6, 3 एंड 3 सॉरी C 3, 10 माइनस 1 आर कोलिनियर। तो भाई कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर का मतलब मैंने बताया था इससे पहले वाली क्लास में हमने किया था, तो कोलिनियर जो होता है उसका मतलब होता है कि एक ही लाइन के ऊपर, क्या मतलब समझे, एक ही लाइन के ऊपर। अगर दो पॉइंट की बात होती तो हमारा, एक बार मैं तुमको पहले लिख के दिखा देता हूँ, ये इक्वेशन लिख लेते हैं हम, ए बी और सी तीन इक्वेशन हमें दी हुई है, यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तीन पॉइंट के, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। वो क्या कहना चाहता है कि ये तीन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दे दिए हमें 1, 2, 7, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए हमें 2, 6 और 3 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए 3, 10 और -1 3, 10 और -1 ये तीन पॉइंट है, इनके तीनों के कोऑर्डिनेट दे दिए, और वो कह रहा है कि हमें ये बताओ कि ये जो तीनों पॉइंट है ये एक ही लाइन के ऊपर है, कोलिनियर है। अगर कोलिनियर की बात होती है तो हमारा a1 upon a2 b1 upon b2 बराबर किसके होता है भाई, c1 upon c2 के। लेकिन ये बात जब होती जब केवल यहां पर हमारे पास दो पॉइंट दिए होते, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए होते सिर्फ दो पॉइंटों के, और दो ही वेक्टर हमारे पास होते, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, लेकिन यहां पर उसने तीन पॉइंट दे दिए, ये हमेशा इनका जो रेशो है ना वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, ये रेशो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो अगर रेशो इक्वल है, मैं बता चुका हूं ये बात पहले भी, इक्वल है तो ये कोलिनियर होंगे, दोनों ही पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, यानी कि एक ही लाइन पर होंगे। लेकिन जब बात आ जाएगी तीन पॉइंट्स की, कितने पॉइंट्स की, तीन पॉइंट्स की बात आ जाएगी, तो हमें यहां पर थोड़ा सा एडवांस चलना पड़ेगा, क्योंकि तीन का हम इस तरह से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तीन के लिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी लाइन की
डिस्टेंस या फिर लेंथ, दो पॉइंट के बीच की लेंथ या डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड कहते हैं, ये बात मैं पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ। वो तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, मतलब क्या है, किसी भी दो लेंथ का सम तीसरी के इक्वल होना चाहिए। कोई भी दो लेंथ का सम जब थर्ड के बराबर होगा तो हमारा क्या बन जाएगा भाई, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर आ जाएंगे। तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। यानी कि इस लेंथ का और इस लेंथ का सम जब इस पूरी के इक्वल आ गया ना मैग्नीट्यूड का, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। अब इनको हम इक्वल कैसे ला सकते हैं, इक्वल लाने के लिए हमें इनके क्या करने पड़ेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे, ए से बी तक का, बी से सी तक का और ए से सी तक का। तो पहले हम ए बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए बी लेंथ की, ए बी की लंबाई निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो कितनी है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने बताया ये ए, जब भी ए बी के ऊपर वेक्टर लगेगा, दो चीज़ों के ऊपर वेक्टर लगेगा, दो पॉइंट्स के ऊपर सीधा, ये हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हमारा क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर की फॉर्म निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, अब बी में से ए को माइनस करो तो टू माइनस वन, टू माइनस वन कितना हो जाएगा मेरा, वन आई प्लस सिक्स माइनस टू फोर जे, इनके ऊपर कैप पहना दो, फोर जे प्लस तीन में से सात जाएगा तो माइनस के चार के, बोलो हाँ। अब दूसरी हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी यहां से बी से सी तक की, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो साथ के साथ, ए बी का, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या कहा था मैंने, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर दी रूट, वन प्लस चार का स्क्वायर सोलह प्लस चार का स्क्वायर सोलह, कितना हो जाएगा भाई रूट 33, बोलो हाँ। अब दूसरी बात करते हैं बी सी की, अब निकालते हैं बी सी वैक्टर यानी कि बी से सी तक की लेंथ, और ये जो मैग्नीट्यूड आ गया ये इसकी यहां से यहां तक की लेंथ आ गई, लंबाई आ गई। तो बी सी वैक्टर यहां पर निकालते हैं अब, तो सी में से बी को माइनस करो, तीन में से दो जाएगा तो आई प्लस दस में से छह जाएंगे तो चार, जे कैप पहना देना भाई इनको, प्लस माइनस का वन और माइनस के थ्री, तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरा, माइनस के चार के ऊपर कैप, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी इसकी। ये वेक्टर आ गया हमारा बीसी वेक्टर आ गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बीसी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अब मैग्नीट्यूड निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड निकाल लो, अब वन का स्क्वेयर वन प्लस चार का स्क्वेयर सोलह प्लस माइनस के चार का स्क्वेयर भी सोलह, तो कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना आ गया 33, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ भी हमारी 33 आ गई और यहां से यहां तक की भी 33 यूनिट आ गई। तो ये दोनों लेंथ तो हमारी इक्वल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब हमें तीसरी की बात करनी है, यहां से यहां तक की एसी की बात करनी है, तो एसी वेक्टर निकालना पड़ेगा हमें, एसी लाइन का इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। वेक्टर की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि क्या ये कोलिनियर है। तो यहां से यहां तक, ए से सी तक, ए हमारा इनिशियल पॉइंट, सी हमारा टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल में से इनिशियल को हम माइनस करते हैं, तो तीन में से एक जाएगा तो टू आई प्लस दस में से दो जाएगा तो आठ जे और माइनस के वन में से माइनस के सेवन जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस के आठ के और इसके ऊपर भी कैप। अब यहां से लाइन एसी वेक्टर एसी का मैग्नीट्यूड निकाल ले, तो मैग्नीट्यूड वही बात फिर से आ गई हमारी सेम टू सेम, दो का स्क्वायर चार प्लस आठ का स्क्वायर चौंसठ प्लस आठ का स्क्वायर चौंसठ कितना हो जाएगा भाई, 128 और 8 कितना हो जाएगा, 132, कितना हो गया 132। तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, चार से इसको डिवाइड कर लेते हैं, चार गुणा चार तीय बारह का, चार तीय बारह दो और चार तीय बारह, बिल्कुल सही, 33 गुणा चार हो जाएगा ये, यानी कि इस चार को अगर रूट से बाहर निकाल लूंगा मैं तो ये हो जाएगा 2√33, बोलो हाँ। तो यहां पर हमारा आ गया 2√33। तो यहां से यहां तक की पूरी जो लाइन है इसकी जो लेंथ आ गई हमारी वो आ गई 2√33। लेकिन अगर मैं बात करूं ए बी की और बी सी की तो ये कितनी कितनी आ गई भाई, √33 और √33। तो यहां पर अब एक चीज देख रहे हो तुम लोग, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को कुछ, यहां पर यह चीज देखने की कोशिश करो,
इसको और इसको जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये √32 √33 आएगा या नहीं आएगा? बोलो हाँ, √32 √33 आएगा। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, टू लेंथ का जो सम है जब थर्ड लेंथ के बराबर आ जाएगा, यानी कि इसका और इसका सम जब इसके बराबर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर हो जाएंगे, एक ही लाइन पर होंगे। तो ये हमने प्रूव कर दिया, मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। बोलो हाँ, आ गया भी समझ में? तो मैंने ये बात कही थी, अगर दो ही पॉइंट दिए होते हैं यहाँ पर, ये और ये, तो सीधा सीधा इनका रेशो निकाल लेते, A1 A2 B1 B2, इनका रेशो निकाल लेते। अगर वो इक्वल रहता तीनों का रेशो, ये भी ये भी ये भी, तो भी वो कोलिनियर थे। लेकिन जब तीन की बात आ गई तो यहां से यहां तक की इसकी लंबाई निकाल ली हमने, इसकी लंबाई निकाल ली और इसकी लंबाई निकाल ली, बस ये हमारे क्या हो गए, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, और इसमें कुछ है ही नहीं खास। तो भैया अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट द वैक्टर, ये वैक्टर दिए हुए हमें, 2i-j+k i-3j-5k एंड ये फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रेंगल। क्या कह रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल के वर्टिसेस को फॉर्म करता है। तो राइट एंगल ट्रेंगल का रूल क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वेयर। पाइथागोरस लगाएंगे यहां पर, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से एक तो हमें ये पॉइंट दे दिए, मैंने लिख भी दिया यहां पर, ये ए ये बी और ये सी, तो तीन पॉइंट हमने यहां पर ले लिए हैं। हमें यहां पर ए बी निकालना पड़ेगा वैक्टर, फिर हमें यहाँ पर बी सी वैक्टर निकालना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर सी ए वैक्टर हमें निकालना पड़ेगा, और फिर इनका मैग्नीट्यूड, उससे ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले ए बी वैक्टर निकालो, पहले ए बी वैक्टर निकालो, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए बी वैक्टर का मतलब क्या हुआ, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट, ये इनिशियल ये टर्मिनल, सॉरी ये इनिशियल ये टर्मिनल। तो बी में से ए को माइनस करो, तो यहां पर इसका कोफिशियंट जिसका नहीं दिया है उसका हम वन लेकर चलते हैं, तो वन में से टू जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं 1 -2 i कैप + ((-k)) 3 और -(-k)1 और j कैप, ये बड़ी ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस -(-k)5 और -(-1)k कैप। अब इसको सोल्व करते हैं, वन में से वन जाएगा तो -(-k)i कैप, -(-k)3 और +(-k)1 तो -(-k)2 j कैप, -(-k)5 और -(-k)1 -(-k)6 k कैप, ये बन गया हमारा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई, मैग्नीट्यूड निकालने में कोई दिक्कत, बोलो नो प्रॉब्लम। तो यहां से निकालो भाई, वन वन का स्क्वेयर तो वन होगा, -(-k)2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4, और -(-k)6 का स्क्वेयर 36, कितने के इक्वल आ गया भाई, 36 और 4 40 और 1 √41। अब बात करेंगे बीसी की, वेक्टर बीसी निकालो, तो वेक्टर बीसी में क्या करेंगे, सी में से बी को माइनस करो, तीन में से एक जाएगा तो 2i के ऊपर कैप, -(-k)4 और +(-k)3 तो -(-k)j कैप, और आगे क्या बचा, -(-k)4 और फिर +(+)5 तो +(+)k कैप। अब यहां से निकाल लो बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वेयर 4 + 1 का स्क्वेयर 1 + 1 का स्क्वेयर 1, ये हो जाएगा हमारा 4 और 2 √6। बोलो हाँ। अब अगला देखते हैं सी ए का, सी से ए पॉइंट पर भी जाएंगे ना, इस तरह से चल रहे हैं ना, ए बी सी, ऊपर ए नीचे बी फिर सी, फिर सी ए, ए से बी, बी से सी, सी से ए। तो सी ए की बात करेंगे, तो सी ए, सी हमारा क्या हो गया इनिशियल, और ए हमारा क्या हो गया टर्मिनल। तो सी में से, ए में से सी को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 2 में से 3 जाएगा तो -(-1), -(-k)i कैप और -(-k)1 और -(-k)4, यानी कि +(+)4 हो जाएंगे, तो -(-1) और +(+)4 +(+)3 j कैप। एक सेकंड में थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये चल नहीं रहा बिल्कुल भी सर, इसमें से नहीं डलवा दो अभी, -(-i कैप) -(-1) और +(+)4 तो +(+)k 3 j कैप, और यहां से वन, ए में से सी को माइनस करना है ना, तो 1 और +(+)4 तो +(+)4
फाइव के कैप। ठीक है भाई, बोलो, बिल्कुल सही है ना। तो आगे देखो, अब इसका सी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे इसका माइनस के वन का स्क्वेयर 1 प्लस 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 5 का स्क्वेयर 25 किसके बराबर आ जाएगा, 25 और 1 26 और 9, 26 और 9 कितने होते हैं 35, √35। क्या हो गया भाई, √35। अब हमारा ये मैग्नीट्यूड निकल के आ गया तीनों पॉइंटों का। अब देखना हमें ये है कि किसी भी दो का सम जो है वो उनके स्क्वेयर का सम जो है वो तीसरे के इक्वल आना चाहिए। तो 35 का √35 का स्क्वेयर 35, ये 6, ये बिल्कुल सही राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है एक। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे लंबी लेंथ होती है वो क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस। तो ये ए बी वेक्टर हमारा क्या है, ये हाइपोटेनियस है हमारा, हाइपोटेनियस। अब कैसे हमने पता किया इसको, देखो अभी मैं लिख के दिखा देता हूं इसको। जैसे हमने क्या लिया, यहां पर हमारा क्या है, एक तो लेंथ है हमारी बीसी, बीसी जब वेक्टर का स्क्वेयर करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर हो जाता है, प्लस सी ए का स्क्वेयर बराबर है किसके हो जाएगा, हमारा वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वेयर के इक्वल। अब देखो यहां पर बी सी कितना है हमारा, 6 है, तो √6 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा भाई, 6 प्लस √35 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 35 बराबर कितने के, 41 के। और √41 का स्क्वेयर कितना होगा, 41। मतलब कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ये इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारी बन रही है जिसमें हमारा जो हाइपोटेनियस आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, ए बी, हमारा ए बी जो है वो हाइपोटेनियस आ रहा है। तो इस तरह से ये पॉइंट बनेंगे, ये ए, ये बी और ये सी, इस तरह से। और सी के ऊपर ये 90 डिग्री एंगल है। मतलब पेपर में वो सवाल ये भी दे सकता है कि किसके ऊपर वो राइट एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर कहाँ पर बनेगा, तो सी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा इस ट्रायंगल के अंदर। इस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो भाई ये जो हमारी जो सीट नंबर 2 है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसकी पीडीएफ आपको दोनों जो अभी सीट हुई है, फर्स्ट सीट और सेकंड सीट, दोनों की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी में। टेलीग्राम मैथ्स बाय प्रदीप सर से डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और या क्या अपना इसमें पिन पिन भी करवा दिया है मैंने कमेंट बॉक्स में। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लग रही है, अगर लग रहा है कि भाई कोशिश रियलिटी में मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए और तुम लोगों को इसका फायदा लग रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। और अब वक्त आ गया है भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लो। अब वो वक्त आ गया है क्योंकि हो सकता है कि हफ्ते नेक्स्ट वीक के अंदर हमारी जो है लाइव क्लासेज भी मैं स्टार्ट कर दूं। तो मैंने कहा था हमारी कुछ रिक्वायरमेंट बची हुई है, वो रिक्वायरमेंट हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाए। फिर ये मत कहना कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो बेल आइकन अब दबा लो अपना, ठीक है, बेल आइकन दबा लो, और साथ ही साथ अपना मैथ्स बाय प्रदीप सर टेलीग्राम पर जुड़ो। उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया वहाँ पर होता रहता है हर दिन। मैं कुछ ना कुछ आपको अपडेट देता रहता हूँ किसी न किसी चीज़ की, और साथ ही आपको हर टॉपिक की पीडीएफ मैथ्स बाय प्रदीप सर टेलीग्राम पर मिल रही है। तो टेलीग्राम पर जो पीडीएफ है, पीडीएफ के अंदर लिंक है, हर क्लास की पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पर। बार बार कमेंट करके ये मत पूछा करो कि सर मुझे वो टेलीग्राम पर ये इस टॉपिक की पीडीएफ नहीं मिली, इसकी नहीं मिली। टेलीग्राम पर सीधे सीधे टेलीग्राम जब ओपन करोगे तो वहाँ पर मैथ्स बाय प्रदीप सर ग्रुप को ओपन करते हो तो फाइल्स का एक फोल्डर आता है, उस फाइल्स पे क्लिक करोगे, ऊपर से नीचे जाओ, लास्ट से फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अभी तक की सारी पीडीएफ वहाँ पर डली हुई है। मैथ की जो मैराथन क्लास हुई थी एचआर जीके बाय बी के चैनल के ऊपर 8 घंटे की, उसकी पीडीएफ भी वहीं पर अवेलेबल है। तो मैं हर बच्चे को लिंक नहीं भेज सकता हूँ प्यारे बच्चे, समझने की कोशिश करो। मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, मुझे बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम कम होता है, कभी कभी मैं कॉमेंट्स का या फिर मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेट से दे पाता हूँ। इसलिए आप लोग ये काम किया करो, फाइल्स में जाके ढूंढ लिया करो, वहाँ पर मिल जाएंगे। तो भाई जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे कमेंट करते हैं जिस तरीके से भी कमेंट करते हैं, कुछ बच्चों के अलग अलग तरह से कमेंट आए हुए हैं, उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो एक दिन लेकर आऊँगा। अभी मैं वेट कर रहा था कि भी लाइव आ जाऊँ सीधा, तो देखते हैं जैसा भी समय हमसे कराता है हम वैसा ही करेंगे। तो कुछ बच्चे जैसे कि पूजा सहनी होगी और रियल नायक के नाम से एक बच्चा कमेंट करता है, जितने भी बच्चे हमारे सवालों के आंसर देते हैं, एक रेनू नाम की लड़की है रेनू बामल, वो भी सवालों के आंसर करती है, कई सारे बच्चे हैं इस तरह के जो हमारे जितने भी मैं डालता हूँ
जितने भी मतलब क्वेश्चन छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए, सभी के आंसर करते हैं, तो सभी बच्चों का नाम ले पाना एक क्लास के इस मतलब, ये तो क्लास चल रही है तो यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा बच्चों का, उसके ऊपर मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि सर मैं मतलब मैं किसी का कॉमेंट नहीं देखता हूँ, हर बच्चे के कॉमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। तो भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और इन द एंड जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।